मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th फिजिक्स का एक डेडली चैप्टर, जैसा कि बहुत बच्चों को लगता है, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो बच्चों तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये डिफिकल्ट चैप्टर होने वाला है सुपर डुपर इजी। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो तैयार है सभी लोग कॉन्सेप्ट्स करने के लिए? Crystal clear. Let's get started. तो बच्चों, इससे पहले तक हमने बातें की थी पार्टिकल्स के बारे में, जैसे कि एक पार्टिकल के मोशन के बारे में, उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, वगैरह वगैरह। यही सारी चीजें हमने पढ़ी थी मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन वगैरह में, राइट? तो यहां पर जो है हम एक पार्टिकल की बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो देखो, ऐसे सोचो कि एक पार्टिकल इज लाइक अ पॉइंट मास, मतलब बिल्कुल एक पॉइंट के जैसा है, बहुत छोटा, तो मतलब उसका प्रैक्टिकली कोई साइज नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वन पार्टिकल, लेकिन जब हम रियल बॉडीज की बात करते हैं, जो बॉडीज हमारे आसपास हैं, ठीक है, उन्हें हम एक्चुअली कहते हैं एक्सटेंडेड बॉडीज। वैसे तो हम डे टू डे लाइफ में उन्हें नॉर्मल बॉडीज ही कहते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंडेड बॉडीज। तो एक्सटेंडेड बॉडीज ऐसे बॉडीज होते हैं जिनका कंसिडरेबली एक लार्जर साइज होता है, और वो बेसिकली एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, मेरे हाथ में ये बॉल है, तो ये जो बॉल हमें दिख रहा है, दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड बॉडी, क्योंकि इसका एक कंसिडरेबली गुड अमाउंट ऑफ साइज है। इसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी रियल बॉडीज हम अपने आसपास देखते हैं जिनका एक फाइनाइट साइज होता है, वो सभी फॉल करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज। तो चलो अब जानते हैं कि रिजिड बॉडीज क्या होते हैं। रिजिड जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कठोर। जैसे कई बार आपने सुना होगा, ऐसे आम तौर पर हम ऐसा कहते हैं ना कि ये लड़का जो है ना बड़ा रिजिड है, मतलब वो काफी ढीठ है, वो जो सोचता है वो उस सोच को चेंज नहीं करना चाहता है, राइट? वो अपनी ही सोच में अड़ा हुआ रहता है, दैट्स रिजिड। तो ठीक उसी तरीके से जब हम रिजिड बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे बॉडीज हैं जो अपने शेप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि उनका एक डेफिनेट शेप होता है जिसे वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? इनफैक्ट अगर हम रियलिटी की बात करें, तो कोई भी रियल बॉडी जो है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीके से एक आइडियल कॉन्सेप्ट है जो प्रैक्टिकली ट्रू नहीं होता है। सो दीज आर लाइक आइडियलाइज्ड एक्सटेंडेड बॉडीज जिनका बिल्कुल फिक्स्ड शेप होता है। जैसे आम तौर पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सपोज हम इस बलून की बात करते हैं, तो इस बलून पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स हमें काइंड ऑफ दिखता है कि इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसके शेप में चेंज आ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं ये फोन ले लूं और इसमें फोर्स लगाऊं इस तरीके से, तो यहां पर मुझे डिफॉर्मेशन एज सच देखने को नहीं मिलता है। नाउ हैविंग सेड दैट, कहीं पे देखने को मिलता है, कहीं पे देखने को नहीं मिलता है, बट रियलिटी यही है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ा ही सही बट डिफॉर्मेशन हो रहा होता है। लेकिन यहां पर जब हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे, तो हम ये अज्यूम करते हुए चलेंगे कि उनका जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा है, और वी कैन से दे हैव अ फिक्स्ड शेप। तो भाई अब ये देखना जरूरी है कि फिजिक्स के टर्म्स में हम रिजिड बॉडी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिजिक्स कुछ यूं डिफाइन करता है कि अगर ये बॉल एक रिजिड बॉडी है, तो इसका मतलब है कि इस बॉल के अंदर किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा। दैट मींस लेट अस सपोज ये एक पार्टिकल है यहां पर, और ये एक दूसरा पार्टिकल है यहां पर, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि चाहे हम कैसे भी फोर्स लगा लें, ये तो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। अगर इसका शेप कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं रिजिड बॉडी इन फिजिक्स। रिजिड बॉडी के मोशन को समझने के लिए हम करते हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन। तो फिलहाल मैं लेती हूँ ये ब्लॉक विच इज अ रिजिड बॉडी, जिसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, राइट? क्योंकि एक रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और जब हम इसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं डाउन द प्लेन, तो हम क्या नोटिस करते हैं? हम ये नोटिस करते हैं कि जब ये ब्लॉक इस प्लेन के अलॉन्ग मूव करता है, तो इसके अंदर के जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे साथ में मूव करते हैं,
एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो सेम होती है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अब मैं लेती हूं एक बॉल और अब इस बॉल के मोशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं डाउन द प्लेन तो यहां पर मुझे कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो चलो देखें। अब हमने क्या देखा कि ये बॉल जो है ये बॉल भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो गया बट यहां पर कुछ अलग हुआ। इस बॉल के अंदर के सारे पार्टिकल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी सेम नहीं थी। कैसे? देखो मैं दिखाती हूं। जैसे ये बॉल यूं रोल कर रहा था राइट, तो एट एनी पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बॉल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है विद दिस प्लेन उस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी थी दैट इज जीरो। क्योंकि एट एनी पॉइंट आप देखो ये तो रोल कर जा रहा है तो जो पॉइंट इसके कॉन्टैक्ट में है वो पॉइंट इस तरीके से मूव नहीं कर रहा है, वो बेसिकली यूं रोल कर जा रहा है राइट। तो बेसिकली अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं P1 कहूं तो P1 पे वेलोसिटी मेरी है जीरो। अगर मैं कोई P2 पॉइंट देखूं जो यहां पर है लगभग इस जगह पर तो वहां पर इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल है। अब वही अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट ले लूं जो सेंटर पे है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? पैरेलल टू द प्लेन। सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जब ये बॉल इस प्लेन के डाउन रोल कर रहा है तो अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटीज हैं। इसका ये मतलब है कि यहां पर इस बॉल का जो मोशन था ट्रांसलेशन तो हो रहा है क्योंकि ये बॉल जो है ये ऊपर से नीचे तक जा रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है तो ट्रांसलेशन हो रहा है, बट उसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। तो अब हमें ये जानना है ये कुछ और क्या है। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडिया है, कैसा रहेगा अगर हम इस बॉल का ट्रांसलेशन मोशन रोक दें? कैसे रोकेंगे? चलो देखते हैं। तो हमारा प्लान यही रहेगा कि इसके ट्रांसलेशन मोशन को हम रोक देते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा दूसरा मोशन है। तो देखो इस बॉल के ट्रांसलेशन मोशन को रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने इसे एक एक्सिस के अबाउट फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखो इस डंडे के अंदर डाल दिया ना हमने इस बॉल को, तो इससे क्या होगा कि अब अगर मैं इस बॉल को यहां से कितना भी धक्का मारूं ये नीचे तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पकड़ रखी हूं इस डंडे को तो ये इस डंडे को छोड़ के बाहर तो नहीं जा पाएगा राइट। तो देखना यह है कि अब जब मैं इसे यहां से पुश करूंगी तो इसमें कौन सा मोशन होता है। तो चलो देखें। तो यहां से मैंने पुश किया एंड व्हाट डू वी सी, बॉल नीचे तो नहीं जा रहा है लेकिन इसमें कैसा मोशन दिख रहा है? इसमें रोटेशन हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये बॉल जो है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है एंड दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, और इस फिक्स्ड एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे आसपास की चीजों में क्या हमें रोटेशनल मोशन देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। ऊपर देखो सीलिंग फैन दिखेगा और सीलिंग फैन के जो ब्लेड्स हैं वो कैसे मूव कर रहे होते हैं? रोटेशनल मोशन में। व्हीकल के व्हील्स पे अगर आप फोकस करो तो वहां पर कौन सा मोशन दिखता है? बहुत ध्यान से देखो, जो व्हील्स हैं इनमें कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल मोशन राइट। और यही व्हीकल जब रोड पे मूव करने लगती है तो कौन सा मोशन होता है? अब देखो व्हील्स में तो अभी भी रोटेशनल मोशन है बट साथ ही साथ चूंकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो यहां पर ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो जब ये व्हीकल जो है रोड पर मूव करती है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। चिल्ड्रंस प्ले एरिया में कभी मेरी गो राउंड देखा है जिसमें बच्चे मजे में चढ़ के ना यूं गोल 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 घूमते रहते हैं? देखा ही होगा आई एम प्रिटी श्योर राइट। तो ये मेरी गो राउंड जो है दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ रोटेशनल मोशन। अब बहुत से बच्चों को इतने सारे एग्जाम्पल सुन के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यार जहां पर भी हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो सर्कल सर्कल में घूम रहे हैं, तो क्या रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन सेम चीज है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो चलो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के फर्क को समझने के लिए हम इस डेमो का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर है एक पेंसिल और ये है एक सीडी जो कि मेरा डिस्क है जो देखो इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो कि मेरा पेंसिल है ये रोटेट कर रहा है करेक्ट। तो आप देख सकते हो इसमें रोटेशनल मोशन है, मैं इसे घुमा रही हूं तो ये घूम रहा है। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज अब इस डिस्क के अंदर एक सिंगल पार्टिकल पे हम फोकस करेंगे, कोई भी एक सिंगल पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्क के ऊपर मैं एक पॉइंट मार्क कर लेती हूं। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, तो सबका ध्यान होना चाहिए इस ब्लैक पॉइंट पे, काला टीका पे। ठीक है, अब देखो मैं इसे दोबारा रोटेट कर रही हूं। ठीक है,
मैं धीरे धीरे रोटेट कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी कि जो वो ब्लैक वाला पॉइंट है वो कैसे मूव कर रहा है। तो जैसे इस ये डिस्क रोटेट कर रहा है वैसे वैसे उस पॉइंट के साथ क्या हो रहा है, ये पॉइंट जो है इस तरीके से एक सर्कल में मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, इन अ सर्कुलर पाथ मूव करते हैं। ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और उनका रेडियस जो है वो क्या होता है, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे यहाँ पर एक्सिस क्या है, ये पेंसिल, तो ये पेंसिल से ले करके ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है दैट्स द रेडियस, और उस रेडियस में ये एक सर्कल बना के मूव कर रहा है। तो बेसिकली इस डिस्क के अंदर लाई करने वाले हर एक पार्टिकल जो है वो सभी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन अलग है। सर्कुलर मोशन मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यू 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 सर्कल में मूव कर रहा है, बट हम रोटेशनल मोशन की जब बात करते हैं तो उसके अंदर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एंड ओवरऑल ऑल द पार्टिकल्स जो है दे आर मूविंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारा एक्सिस होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, रादर जो रोटेशन होता है दैट हैपेंस अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे कि लेट अस टॉक अबाउट दिस टेबल फैन। तो इस टेबल फैन के अंदर हम क्या देखते हैं, यहां पर अगर हम रोटेशन देखें तो इट इज हैपनिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज एट द सेंटर, राइट। स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल ले सकते हैं, स्पिनिंग टॉप पता होगा सबको, लट्टू बचपन में खेला ही होगा इसके साथ, राइट। तो अगर हम लट्टू के मूवमेंट को देखें तो क्या होता है वहां पर, जैसे जमीन से एक सिंगल पॉइंट होता है उसका टिप जो टच में होता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहां पर जो रोटेशन होता है ना वो इस पॉइंट के अबाउट होता है, ठीक है। क्योंकि लट्टू का जो मूवमेंट होता है उसमें हम देखते हैं कि उसका जो एक्सिस है ना वो भी फिक्स्ड नहीं रहता है, वो एक्सिस खुद ही यू 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 मूव करता है। तो बेसिकली जो एक्सिस है ना वो खुद ही एक कोन टाइप का शेप बनाता हुआ मूव करता है, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट रोटेशन होता है और जो इसका एक्सिस है वो एक कोन बनाता हुआ मूव करता है, और इस मूवमेंट को कहा जाता है प्रिसेशन। और यही अगर आप स्पिनिंग टॉप का एक्चुअल रियल लाइफ में मूवमेंट देखोगे तो आप क्या देखोगे, जमीन पर ये एक ही जगह मूव करता है फिर वो एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाता है। तो वैसे केस में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है क्योंकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भी जा रहा है, साथ ही साथ रोटेशन भी हो रहा है। तो वैसे केसेस में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो अगर आप स्क्रीन पे फोकस करो तो आपको दिख रहा होगा स्लो मोशन में कि जो पॉइंट जमीन को टच कर रहा है दैट इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, और जो एक्सिस है वो यू यू घूम रहा है और बना रहा है एक कोण। तो बच्चा पार्टी हमने क्या सीखा कि किसी भी रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो या तो प्योर ट्रांसलेशन होता है जहां पे वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता है, या फिर वो प्योर रोटेशन होता है, या फिर वो दोनों का मिक्स होता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। तो शुरुआत होगी सेंटर ऑफ मास से, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस इतनी सी बातें हैं, इतनी ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हम ये सारी चीजों को कवर कर लेंगे बिल्कुल फटाफट से। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास होता क्या है, नाम पे ध्यान देना है फिर से, सेंटर ऑफ मास मतलब किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उस बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। बोलने का मतलब, लेट अस सपोज मेरे पास एक ये बॉडी है, एक रॉड टाइप की एक चीज आपको दिख रही है मेरे हाथ में। अब जैसे इसका मास जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी है इधर भी है, हर जगह इसका मास है कुछ ना कुछ। अब मैं कह रही हूँ कि इस पूरे बॉडी के अंदर अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस पूरे बॉडी का सारा मास जो है वो उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। थोड़ी ही देर में आपको पता लगेगा कि ये सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार हम किसी भी रिजिड बॉडी में एक सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर देते हैं तो उससे हम उस बॉडी के मोशन के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
तो चलो बिल्कुल आसान से शुरू करेंगे। तो लेट अस सबसे पहले ये एज्यूम करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि एक्चुअली में रियलिटी में तो क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, राइट। लेकिन टू कीप इट सिंपल अभी के लिए एज्यूम करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं और उनके मासेस हैं m1 और m2, और उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब उनका जो पोजिशन है विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, दैट इज x1 एंड x2। ठीक है, क्लियर है। तो अब ऐसे एक सिस्टम का, ऐसे एक टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इज गिवन बाय m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और इसे हम कहते हैं मास वेटेड मीन ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, मास वेटेड मीन ऑफ, ये जो दो पार्टिकल्स हैं इनका मास वेटेड मीन, ये सारी चीजें हम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं मैथ्स में, राइट। तो बेसिकली अगर मेरे पास दो पार्टिकल का एक सिस्टम है और उन दोनों पार्टिकल्स का मुझे मास पता है और उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उससे हम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। अब इसी के अंदर एक स्पेशल केस आ सकता है कि भाई मान लो ये जो m1 और m2 है ये बराबर है, तब क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो जो x हो जाएगा यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाय 2, यानी कि वैसे केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो दोनों पार्टिकल के एग्जैक्टली मिडवे लाई करेगा। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा इसी का ही एडवांस्ड देखते हैं कि भैया टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में मेरे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें इन टू डायमेंशन, तो ये कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। लेट्स से मेरा सेंटर ऑफ मास जो है इस, ये जो भी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, वाई एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हम टू डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो एक एक्स एक्सिस की बात करेंगे और एक वाई एक्सिस की भी बात करेंगे, है कि नहीं। तो मान लेते हैं टू डायमेंशन में जो मेरा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसमें जो पार्टिकल्स है उनके मासेस कुछ ऐसे हैं m1, m2, m3 वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसी तरीके से इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ये जो मासेस हैं इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे हैं, वो कुछ ऐसे हैं जैसे कि x1 y1, m2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2, m3 का कोऑर्डिनेट है x3 y3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। तो यहां पर ऐसे सिस्टम के लिए जो मेरा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, जहां पर i डिनोट कर रहा है कोई भी एक ith पार्टिकल, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई यानी कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो कैपिटल M क्या है, समेशन ऑफ एम आई, मतलब जितने भी i नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन सब के मास को अगर जोड़ दो तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम आएगा। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से y क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी जिससे मुझे सेंटर ऑफ मास का पता लग जाएगा। तो ये तो कहानी हो गई टू डायमेंशन की। ठीक इसी तरीके से थ्री डायमेंशन की कहानी कैसी होगी, तो थ्री डायमेंशन के केस में कुछ भी अलग नहीं होगा, यहां पर हम x और y की बात कर रहे थे, अब जैसे ही हम थ्री डायमेंशन में सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो इसका एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट और एक z कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, इतना ही फर्क है। तो यहां पर जो मेरा सिस्टम होगा वो कैसा होगा, जैसे अगर m1 है, m2 है, m3 है, इस तरह के जो मासेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो वही रहेगा एम आई एक्स आई का समेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल M। इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अगर z कोऑर्डिनेट की बात करें तो समेशन ऑफ एम आई जेड आई डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो इस तरीके से हमें सेंटर ऑफ मास का x, y और z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें, मतलब फॉरगेट अबाउट टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन, इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मेरा सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये अगर r इसका पोजीशन वेक्टर है तो r कैन बी रिटन एज x i कैप प्लस y j कैप प्लस जेड के कैप। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा क्योंकि भैया वेक्टर्स तो हमने डिटेल में पढ़ रखा है कि नहीं।
तो इस तरीके से हम इस सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं. सो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि ये जो आर है, व्हाट इज दिस आर, दिस इज समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एम. तो मतलब ये एक इन जनरल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है. जैसे कि एक्स आई वाई आई एक्स आई कैप प्लस छोटा वाला जो आर है, ये भी क्या हो जाएगा, मतलब आईथ पार्टिकल के लिए भी आर आई विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, राइट. तो इन जनरल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ये, सिर्फ वाई की बात कर रहे हैं तो ये, सिर्फ जेड की बात कर रहे हैं तो ये. बट इन जनरल अगर पूरे पोजिशन वैक्टर की बात कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर. एक रिजिड बॉडी को हम कंसिडर कर सकते हैं अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. बोले तो ये कि किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर एक दो या दस पार्टिकल्स तो होते नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और वो बिल्कुल कंटिन्यूअस पार्टिकल्स होते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट स्टेयर्स एंड रैम्प. स्टेयर्स, सीढ़ी से जब आप जाते हो तो आप उसे नंबर कर सकते हो, राइट, सीढ़ी नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन. लेकिन वही अगर आप रैंप से जा रहे हो तो क्या है, इट इज कंटिन्यूअस, उसमें आप 1 2 3 कुछ काउंट नहीं कर सकते हो, करेक्ट. सो दैट इज कंटिन्यूअस. तो ठीक उसी तरीके से एक रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम ऐसे डिस्क्रीटली काउंट नहीं कर सकते हैं कि पार्टिकल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ऐसे केस में क्या हम समेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि समेशन का मतलब क्या है, समेशन मतलब 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके हम ऐड करते जा रहे हैं. तो इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम समेशन को रिप्लेस कर देंगे विथ इंटीग्रल. एग्जैक्टली, इंटीग्रेशन यहीं पर तो काम आता है जहां पर हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. तो चलो इसे मैथमेटिकली देखते हैं. तो अभी तक हम लोग जब भी सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखते थे, जैसे मान लो एक्स कोऑर्डिनेट है या फिर वाई कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, तो हम उसे कैसे लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई, राइट. तो लेट अस सपोज ये जो मास है इसको मैंने डेल्टा एम आई लिखा. क्यों डेल्टा एम आई लिखा, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स से बने हुए हैं, तो छोटे पार्टिकल्स हैं उनके मास भी छोटे छोटे हैं, तो उनको मैंने डेल्टा एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एम भी लिख सकते हो या फिर समेशन ऑफ डेल्टा एम आई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. उसी तरीके से वाई क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डेल्टा एम आई, ठीक है. ऐसे अभी तक हम लोग लिख रहे थे. बट अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो क्या होगा, मेरा समेशन रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रल से, ठीक है. यानी कि जहां पर भी हमें समेशन ऑफ डेल्टा एम आई दिखेगा उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम. डीएम मतलब एक छोटा सा मास, उसी छोटे से मास को हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं यहां से यहां तक. इसका मतलब वही छोटा 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 बहुत सारा मास इंटीग्रेट होकर वो मिलकर एक बड़ा सा मास बना रहा है. तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम विल बी कैपिटल एम विच इज द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. ठीक उसी तरीके से जहां पर भी आपको समेशन दिखे, जैसे कि समेशन डेल्टा एम आई एक्स आई, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, क्योंकि डेल्टा एम आई को हम लिख देंगे डीएम और जो एक्स था वो एक्स आई था वो हो गया हमारा एक्स, ठीक है. उसी तरह जहां भी हमें दिखेगा समेशन ऑफ डेल्टा एम आई वाई आई, उसे हम क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम. जहां कहीं भी दिखे समेशन डेल्टा एम आई जेड आई, उसे क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम, ठीक है. तो इतना ही करेंगे. तो अब देखो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मेरा सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखेंगे, चेंज हो जाएंगे ना भाई, बिल्कुल होंगे. तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को जैसे कि एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई कैपिटल एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम. देखो पूरा जो न्यूमरेटर है उसको हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम यहां से, और जो डिनोमिनेटर है उसको यहां से हमने क्या लिख दिया कैपिटल एम, ठीक है. उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम,
ठीक है। अब अगर लेट से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री डायमेंशन, तो उस केस में एक z कोऑर्डिनेट भी होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कैपिटल m इंटीग्रेशन ऑफ z dm। सो कुल मिला के, तो ये तो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हमने बात की, जैसे कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। तो कुल मिला के अगर हम इसके पोजीशन वेक्टर r की बात करें, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय m इंटीग्रेशन r dm, जहां पर ये स्मॉल r क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ईच पार्टिकल, क्योंकि जो सिस्टम है उसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, राइट। तो वो जो छोटे 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 पार्टिकल है उनके पोजीशन वेक्टर है स्मॉल r, और कैपिटल r क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गई सारी बात। अब बात करेंगे हम होमोजेनियस बॉडीज की। होमोजेनियस क्या होता है, होमो बोले तो यूनिफॉर्म। होमोजेनियस बॉडीज वैसे बॉडीज होते हैं जिनके अंदर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये एक डिस्क हो सकता है, ये एक स्फीयर हो सकता है, जिसके अंदर मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी। ये एक रॉड हो सकता है जिसके अंदर मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे होमोजेनियस बॉडीज के केस में हम देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो वही लाई करता है जो उस बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। इस रॉड के एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। लेट अस सपोज कि ये मेरा रॉड है, और इस रॉड का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो क्या है, ये है इस रॉड का सेंटर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना और कॉन्सेप्ट को समझना। अब देखो, इस सेंटर के इस तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इधर भी हैं, क्योंकि ये चूंकि यूनिफॉर्म है रॉड, तो ये सेंटर के इस तरफ और सेंटर के इस तरफ दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो लेट अस सपोज कि सेंटर के इस तरफ मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, वैसा सिमिलर कॉन्ट्रीब्यूशन इस वाले पॉइंट का भी होगा, राइट। तो बेसिकली जब हम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो उस इंटीग्रेशन में जितना कंट्रीब्यूशन इस साइड से आएगा वो सारा कैंसल आउट हो जाएगा इस साइड के कंट्रीब्यूशन से। समझ रहे हो, लॉजिक को समझो, अभी मैथ्स भूल जाओ, ठीक है, अभी लॉजिक को समझना है। तो इधर का कंट्रीब्यूशन कैंसल आउट इधर का कंट्रीब्यूशन से, तो कुल मिला के जो मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है दैट इज जीरो, क्योंकि वो जो इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है नेट नेट दैट इज जीरो, विच मीन्स कि सेंटर ऑफ मास कहां पे लोकेटेड है, ओरिजिन पे, यानी कि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो इसीलिए जब कभी भी होमोजेनियस बॉडीज दी हुई हो और उनका सेंटर ऑफ मास निकालना हो, तो उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही लाई करेगा। तो चलो भाई, एक दो छोटे छोटे सिंपल, थोड़े डिफिकल्ट हर तरह के क्वेश्चन भी देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, गिव द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब, ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी। सो देखो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है मतलब मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी। तो यहाँ पे सारे शेप्स तो आपको दिख ही रहे हैं, स्फीयर है, सिलेंडर है, रिंग है, क्यूब है, और सब में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये किस तरह के बॉडीज हैं, ये सारे होमोजीनियस बॉडीज हैं। अभी अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले। और होमोजेनियस बॉडीज के केस में क्या होता है, इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे लाई करता है, इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है। तो देखो, ये छोटे छोटे जो बातें हैं, ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, इनके ऊपर बेस्ड आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, दे लाई एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर्स। बस हो गया, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो बता दो, स्फीयर का जो सेंटर होगा, स्फीयर के सेंटर पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सिलेंडर की बात करें तो जो सिलेंडर का सेंटर होगा उस पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। रिंग की बात करें तो रिंग के सेंटर में लाई करेगा। उसी तरह क्यूब की बात करें तो क्यूब के भी सेंटर में लाई करेगा। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पे। तो अब ये बताओ, ये जो सारे चारों पिक्चर्स है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर लाई करता है? नॉट रियली। रिंग का एग्जाम्पल ले लो, रिंग के केस में जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो रिंग के अंदर तो है ही नहीं, राइट। रिंग इज लाइक अ बैंगल, एक चूड़ी के जैसा है। तो चूड़ी तो मेरा बस यही है, बट सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे लाई कर रहा है कि नहीं? तो इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरी कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर लाई करे। तो चलो देखिए क्वेश्चन नंबर टू।
In the HCl molecule, the separation between the nuclei of the two atoms is 1.27 angstrom. Find the approximate location of the center of mass of the molecule, given that a chlorine atom is 35.5 times as massive as a hydrogen atom and nearly all the mass of an atom is concentrated in its nucleus. ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को दिमाग में सेट करेंगे. हमारे पास क्या है, एक HCl मॉलिक्यूल है, यानी कि एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है. लेट्स से ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा क्लोरीन, और क्वेश्चन में बताया गया है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.27 एंगस्ट्रॉम, ये इनके बीच का डिस्टेंस है. चलो बहुत बढ़िया, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, कि भैया इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा. देखो सबसे पहले तो, सो लेट्स से जैसे कि हमें क्या पता है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा एक्स. अब सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ तो यहां पर एक लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट का कोई रोल है नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक ओरिजिन, ठीक है, जिसके रेफरेंस में मैं बता सकूं कि भाई हाइड्रोजन किधर है, क्लोरीन किधर है. सो लेट अस सपोज कि मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया जिसको मैंने मान लिया ओरिजिन. ठीक है, ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन. ठीक है, तो अब ओरिजिन से लेट से मैंने कहा कि जो मेरा क्लोरीन है वो एक्स डिस्टेंस पर है, तो फिर मेरा हाइड्रोजन कितने डिस्टेंस पर होगा, 1.27 माइनस एक्स डिस्टेंस पर होगा. इतना तो सबको समझ में आ गया, अमेजिंग. तो चलो अब निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट. सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल मास. ठीक है, अब यहां पर आई, आई मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां कितने पार्टिकल्स हैं, दो ही है, हाइड्रोजन और क्लोरीन. तो बेसिकली यहां पर ये समेशन कैसा हो जाएगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, मतलब आई की यहां पर दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, वन एंड टू. ठीक है, ये हो गया. अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं. अब मास की अगर हम बात करें, सो लेट अस सपोज एम वन जो है ये मेरा मास ऑफ लेट से हाइड्रोजन है. ठीक है, तो वो मुझे एग्जैक्ट मास तो पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता है कि क्लोरीन इज 35.5 टाइम्स एज मैसिव एज हाइड्रोजन. तो अगर हाइड्रोजन का मास एम वन है तो क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा, 35.5 m1. ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन के एक्स वन की बात करें, व्हाट इज हाइड्रोजन का एक्स वन, 1.27 माइनस एक्स. अच्छा क्लोरीन के एक्स टू की बात करें, सो दिस इज एक्स. ठीक है, एक्स वन एक्स टू क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दिस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम. कैपिटल एम इज बेसिकली मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन, यानी कि एम वन प्लस एम टू. तो ये क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू की जगह हम लिख सकते हैं 35.5 m1. ठीक है, तो बस अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सिंपल इसे कैलकुलेट करना है, तो करो कैलकुलेट. सो ये जो है ये मेरा आ जाएगा M1, मैं ऊपर से अगर कॉमन ले लेती हूं तो मेरा अंदर क्या बचेगा, 1.27 माइनस एक्स प्लस 35.5 x डिवाइडेड बाय M1 1 प्लस 35.5. ठीक है, तो इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो यहां पर एक कैच है, ये जो पॉइंट हमने लिया था, लेट से दिस पॉइंट वॉज सी, तो इस पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया था, राइट, एंड वी सेड दैट लेट से दिस इज आवर सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो अब यानी कि ये जो मेरा अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू क्या, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट. तो उस हिसाब से अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि 1.27 माइनस एक्स प्लस 35.5 x इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 0.037 angstrom. इसका मतलब x क्या हो गया, क्लोरीन से कितनी दूर पे है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.037 angstrom फ्रॉम क्लोरीन. सो क्लोरीन एटम से ये इतनी दूरी पर है. अब ये माइनस और प्लस का क्या खेला है, ये वही खेला है कि भैया ओरिजिन के एक तरफ जो है प्लस होते हैं, एक तरफ होते हैं माइनस, तो इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि कौन सी तरफ है,
ठीक है, तो बट हमें तो यहां पर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब था कि भाई कितनी दूरी पर है वो, ठीक है, सो इट इज 0.037 एंगस्ट्रॉम। तो इस पूरे क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, कॉन्सेप्ट ये लगाया कि मुझे सेंटर ऑफ मास का कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला ठीक है एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट सी है यहां पर सेंटर ऑफ मास है, और हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट सी है ये हमारा ओरिजिन है, इसी को ओरिजिन मान लिया हमने, ठीक है। अब जो हमारा नॉर्मल राउट होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का वो ये होता है, तो हम उसी फॉर्मूले से सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, तो जो भी हमें सेंटर ऑफ मास मिला उसे हमने जीरो से इक्वेट किया, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान रखा था, तो उस लॉजिक से हमने निकाल लिया सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम 3। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना अ थिन फ्लैट प्लेट विथ डायमेंशंस एज शोन, द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। तो अगर इस पूरे लैमिना को देखो तो ये पूरी जो एल शेप की चीज दिख रही है जिसके अंदर क्या है, 3 square है, तो बेसिकली इस एल शेप्ड लैमिना के अंदर है 3 squares, ठीक है, और हर एक स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, C1, C2 and C3, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि होमोजेनियस बॉडीज के लिए, ये होमोजेनियस है कैसे पता, यहां लिखा हुआ है ना यूनिफॉर्म, दैट मींस ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये एक होमोजेनियस बॉडी है। होमोजेनियस बॉडी के लिए क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वहीं लाई करता है जहां पर उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ठीक है, विच मीन्स कि C1, C2 और C3 जो है वो इन स्क्वायर्स के ज्योमेट्रिक सेंटर्स हैं, तो हम आराम से C1, C2 और C3 के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, तो C1, C2 और C3 के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। देखो C1 का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये वाला पॉइंट क्या है, D के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, सो दिस इज 1, सो दिस पॉइंट विल बी 1, 0, है कि नहीं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0, 1, ठीक है, इतनी बहुत बेसिक चीजें तो आपको आती ही हैं। तो अगर अब मैं C1 की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोलूं तो C1 इनके बीचों बीच है, तो बेसिकली C1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 1/2 और इधर से भी 1/2, तो C1 हो जाएगा 1/2, 1/2, तो C1 का कोऑर्डिनेट विल बी 1/2, 1/2। अब ठीक इसी तरीके से बात करते हैं C2 की। अब C2 के केस में अगर हम इसके x कोऑर्डिनेट को देखें तो ये पूरा 1 और 1 के साथ में ये आधा विच इज 1/2, सो 1 + 1/2, दैट मींस इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट ये पूरा डिस्टेंस है, राइट, विच इज 1 + 1/2। उसी तरीके से अगर हम इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट तो इतना ही है इसका, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, तो C2 का हो गया 3/2, 1/2। अब बात करते हैं C3 की। C3 को अगर हम यहां से नीचे तक जोड़ दें और इधर यहां से जोड़ दें, अब C3 का जो x कोऑर्डिनेट है वो इतना है विच इज 1/2, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो इतना है ये पूरा, दैट मींस 1 + 1/2, दैट इज 3/2, तो C3 का हो जाएगा 1/2, 3/2। तो ये मेरे तीनों स्क्वायर्स के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। लेकिन मुझे कौन सा सेंटर ऑफ मास निकालना है, मुझे इस पूरे लैमिना का, पूरे एल शेप्ड लैमिना का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मान लिया कि पूरे लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, ये मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहां पर अब मैं x की वैल्यू निकालूंगी फिर y की वैल्यू निकालूंगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ mixi डिवाइडेड बाय m, ऐसे ही निकलता है कि नहीं। अब यहां पर i कितने पार्टिकल्स हैं, यहां पर 3 laminas हैं, तो i की वैल्यू 1, 2 और 3 होंगी, तो ये हो जाएगा m1x1 by m1x1 plus m2x2 plus m3x3 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, कैपिटल M बोले तो m1 + m2 + m3। अब यहां दिया हुआ है m1 + m2 + m3, मतलब टोटल लैमिना का मास जो है दैट इज 3 kg, तो ये सम तो दिया हुआ ही है। अब पहला मास m1 की वैल्यू क्या है, अब देखो चूंकि ये यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब मास जो है वो बिल्कुल बराबरी से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरे का मास अगर 3 kg है तो एक एक स्क्वायर का मास कितना हो जाएगा 1 kg, ये 1 kg का होगा, ये 1 kg का होगा और ये 1 kg का होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो फिर m1 की वैल्यू हो गई 1। अच्छा m1x1
मतलब पहले वाले का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो वो मेरा ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, तो वो वाली वैल्यूज डाल लो, एक्स वन इज वन बाय टू प्लस एम टू इज वन, एक्स टू इज थ्री बाय टू प्लस एम थ्री इज वन, एक्स थ्री इज वन बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री, तो ये वैल्यू आ जाती है फाइव बाय सिक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये जो फाइव बाय सिक्स आया, व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। तो एम वन वन है, वाई वन वाई टू वाई थ्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई वन, ये वाई टू और ये वाई थ्री, ठीक है। तो वाई वन हो गया वन बाय टू प्लस एम टू इज वन, वाई टू इज वन बाय टू प्लस एम थ्री इज वन एंड वाई थ्री इज थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा फाइव बाय सिक्स। तो यानी कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास है इस पूरे लामिना का, वो क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा फाइव बाई सिक्स कॉमा फाइव बाई सिक्स। देखो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट ये कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, इट वॉज अ प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब भले कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो बात अलग है, बट अदरवाइज इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन को समझने के लिए हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे सेंटर ऑफ मास के मोशन को, क्योंकि उस पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे सिस्टम का जो मास है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास पे। तो इसीलिए हम समझेंगे कि भैया सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन है। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि हम ये अज्यूम करेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो बाहर से जो भी फोर्स लग रहा है उस पूरे सिस्टम में, उस पूरे रिजिड बॉडी में, वो कहां लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे, एग्जैक्टली। तो चलो मैथमेटिकली देखते हैं कैसे हम सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। तो हमने अभी तक सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के बारे में क्या देखा, पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, ये हम लिख सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इसी से हम वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे, इस m को हम इधर कर देते हैं शिफ्ट, तो ये हो जाएगा एम आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई, जिसे हम लिख सकते हैं एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री एंड सो ऑन अप टू लेट से एम एन आर एन, ठीक है। अब हम ये बताओ कि वेलोसिटी होता क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, यही तो होता है। तो हम दोनों तरफ d बाई डी टी कर देंगे, तो इधर हो जाएगा m डी आर बाई डी टी और इधर भी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा m1 वन डी आर वन बाई डी टी प्लस एम टू डी आर टू बाई डी टी और इसी तरीके से एम एन डी आर एन बाई डी टी, ठीक है। तो इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, एम डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, दैट इज वेलोसिटी। सो एम इन टू वी इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अप टू एम एन वी एन। सो बेसिकली हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई वी आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी निकालनी। अब बारी है एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन सिमिलर वे में ही निकलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, वो होता है एक्सेलरेशन। तो हम फर्दर इसी, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, इसी वाले, इस वाले इक्वेशन से ही और आगे जाएंगे। तो अब हम इसे फर्दर डी बाई डी टी कर देंगे, सो डी वी बाई डी टी कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा एम वन डी वी वन बाई डी टी प्लस एम टू डी वी टू बाई डी टी एम एन डी वी एन बाई डी टी, ऐसा हो जाएगा। अब डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। सो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू
अप टू एम एन ए एन. तो बेसिकली ये जो ए है, व्हाट इज दिस ए? ये ए जो है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, इज इक्वल टू द टोटल फोर्स दैट इज एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री अप टू एफ एन. ठीक है, अब यहां पर जो है एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है. व्हाट इज दिस एफ वन? एफ वन बोले तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल वन. एफ टू बोले तो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल टू. एफ एन बोले तो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल एन. तो बेसिकली जितने भी उस पूरे सिस्टम में जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस है उन सब का सम इज दिस एफ वन प्लस एफ टू अप टू एफ एन. ठीक है, बट हम कहते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल. अब यहां पर आ जाता है एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में कि भैया यहां पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस भी तो होंगे. पार्टिकल वन जो है वो पार्टिकल टू पे भी फोर्स लगाएगा, पार्टिकल टू जो है वो थ्री पे भी फोर्स लगाएगा, तो इस तरह के बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस भी होंगे. तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया कि मास इंटू एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का जो है दैट इज एफ एक्सटर्नल. तो चलो इसे समझते हैं. तो अभी अभी जो हमने लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर सो ऑन. यहां पर ये एफ वन क्या है? एफ वन जो है ये सारे फोर्सेस का सम है जो पार्टिकल नंबर वन पे लग रहा है. सो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल नंबर वन. अब ये जो फोर्सेस है ये इंटरनल फोर्सेस भी हो सकते हैं, जैसे कि पार्टिकल नंबर टू ने वन पे क्या फोर्स लगाया, थ्री ने वन पे क्या फोर्स लगाया, फोर ने वन पे क्या फोर्स लगाया, राइट? तो ये हो गए इंटरनल फोर्सेस प्लस जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस पार्टिकल नंबर वन पे लग रहे हैं. उसी तरह से एफ टू मतलब जितने भी इंटरनल फोर्सेस पार्टिकल नंबर टू पे लग रहे हैं प्लस जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस पार्टिकल नंबर टू पे लग रहे हैं. ठीक है, सो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं कि ये F1 प्लस F2 प्लस F3 ये जो सम है उसमें इंटरनल फोर्सेस भी हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं, लेकिन जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो आपस में कैंसल आउट हो जा रहे हैं. बोलने का मतलब है कि अगर पार्टिकल नंबर वन पार्टिकल नंबर टू पे एक फोर्स लगा रहा है तो पार्टिकल नंबर टू भी जो है वो पार्टिकल नंबर वन पे एक फोर्स लगा रहा है. न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? तो उस लॉजिक से जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं वो सारे आपस में कैंसल आउट हो जा रहे हैं, तो बच क्या रहा है? एक्सटर्नल फोर्सेस. तो इसीलिए हमने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, मतलब टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस. तो प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में. देखो लीनियर मोमेंटम एक ऐसा टर्म है जो आप पढ़ते आ रहे हो जूनियर क्लासेस से. क्या होता है लीनियर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, राइट? एक पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो किसी एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इज मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. यहां मैं किसकी बात कर रही हूं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की. तो यहां पर लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सिस्टम मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. एग्जैक्टली, तो देखा सेंटर ऑफ मास कितने काम की चीज है ना? तो इस तरीके से हम यहां पर लीनियर मोमेंटम निकालेंगे. तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो लीनियर मोमेंटम के बारे में है ही, इसे हम पी से डिनोट करते हैं. ये क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की. ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हम एक सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स की बात करें, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. तो यहां पर जो टोटल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पी वन. तो हम इसे लिख सकते हैं कैपिटल पी, यानी कि टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी एन. ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अप टू एम एन वी एन. तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई वी आई. ठीक है, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. ओके, अब दूसरी तरफ हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या पढ़ा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई वी आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, दैट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, राइट? तो यहां पर इंस्टेड ऑफ समेशन ऑफ एम आई वी आई हम इसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. मास इंटू वी, वेर वी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास,
राइट, यहां से लिखी सकते हैं ना, समेशन ऑफ एम आई वी आई इज इक्वल टू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो यहां पे भी ये लिख सकते हैं। सो कुल मिला के मेरे पास ये रिलेशनशिप हो गया। किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो उस पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा, दैट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां पर बात करेंगे हम न्यूटन सेकेंड लॉ की। क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ, तो देखते हैं। चलो, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की, राइट। तो यहां पर भी अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें, दैट इज डीपी बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, पी के जगह हम एम इंटू वी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किसका है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक्सटर्नल फोर्स। सो दैट मीन्स डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए दिस इज हाउ न्यूटन सेकेंड लॉ लुक्स लाइक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कभी भी हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उस सिस्टम के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले रिलेशन से डीपी बाई डी टी विल बी इक्वल टू जीरो। विच मीन्स किसी का अगर डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब जो पी है, इस पी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें जीरो मिलता है, राइट। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कभी भी रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पर बाहरी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहां पर पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज कॉन्स्टेंट। तो प्यारे बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड है किससे, वेक्टर्स। तो याद है हमने कुछ टाइम पहले सीखा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या फिर जिसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए पे क्या प्रोजेक्शन है वो बताता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए आपको ध्यान होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी, राइट, ए डॉट बी से निकालते हैं। और हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है दैट इज नॉट अ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है उसका प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन बताता है। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम एक नए तरीके का प्रोडक्ट सीखेंगे बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और इसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट की खास बात यह है कि अब अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब आप पूछोगे कि मैम एक और तरह का प्रोडक्ट सीखने की जरूरत क्या है, जरूरत है क्योंकि रोटेशनल मोशन में यार बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जहां पर वेक्टर प्रोडक्ट्स काम आने वाला है, जैसे कि टॉर्क, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, और इनके बिना तो पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकेगी रोटेशनल की, है ना। तो चलो सबसे पहले सीखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल है लेट्स से थीटा, ठीक है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को या फिर वेक्टर प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ठीक है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आता है उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है ए बी साइन थीटा, जहां पर थीटा जो है इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अब हमारी है डायरेक्शन की, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि जो वेक्टर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। ठीक है, तो चलो डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। तो लेट अस सपोज कि ए क्रॉस बी से हमें मिलता है एक नया वेक्टर सी, तो इस वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मतलब ए और बी अगर इस प्लेन में है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी। ठीक है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे कि एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए हम समझेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। इनफैक्ट मुझे तो याद है कि जब हम स्कूल में थे ना, काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें समझ में नहीं आती थी, बुक में लिखा हुआ है तो पढ़ लेते थे, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं आपको विजुअलाइज करा सकूं। तो मैंने अपने हाथ में ले रखा है एक स्क्रू, देखा होगा, हो सकता है आपके घर पे भी पड़ा हो कहीं, तो आपने देखा होगा कि जो स्क्रू होता है ना,
ये स्क्रू का एक इस तरह का बोल्ट होता है जिसके अंदर हम इसे घुसाते हैं, करेक्ट। और हम फिर इस स्क्रू को ऐसे, जैसे मान लो ये बोल्ट है, इसमें हम स्क्रू को यूं 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 घुमाते जाते हैं, और हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम इसे यूं घुमाते हैं ये आगे बढ़ता जा रहा है, राइट। हम इसे ऐसे धक्का नहीं मार रहे हैं आगे जाने के लिए, हम तो इसे इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसे घुमा रहे हैं ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इट इज़ लाइक हम तो इसे इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, राइट, लेकिन हो क्या रहा है कि ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। एज इफ इधर से अगर हम देखें, मैं इसे ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ, मैं इसे इस डायरेक्शन में घुमा रही हूँ, बट ओवरऑल जो स्क्रू है ये यूं ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, राइट। और एग्जैक्टली यही होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल के लिए ऑब्वियसली हम राइट हैंड का यूज करेंगे। तो ये बता रहा है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और उनका क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी, ठीक है, और मुझे सी का डायरेक्शन निकालना है, यही मेरा टारगेट है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने चारों फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम ए टू बी। मतलब अगर वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो हम फिंगर्स को ए टू बी की तरफ कर्ल करेंगे, तो मेरा थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ सी। अब आप देखो वो स्टेटमेंट भी वेरीफाई हो जा रहा है कि सी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये वाला जो प्लेन है इसमें ए और बी था, इसके परपेंडिकुलर क्या है, सी है, करेक्ट। अब यही मान लो अगर ए इस डायरेक्शन में होता और बी इस डायरेक्शन में होता तो मैं ऐसे कर्ल करती ए से बी की तरफ, राइट, और उस केस में जो मेरा सी का डायरेक्शन होता वो डाउनवर्ड्स होता। समझ आ गई सबको बात, एंड दिस इज योर राइट हैंड स्क्रू रूल। सबको क्लियर हो गया कि इसे राइट हैंड स्क्रू रूल क्यों कहते हैं, मैंने स्क्रू लेके समझा दिया, राइट। तो आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन विद राइट हैंड स्क्रू रूल एंड दिस इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। एक छोटी सी बात बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप ए से बी की तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट करोगे तो ध्यान देना है आप ए से बी की तरफ उसी डायरेक्शन में रोटेट करोगे जिधर स्मॉलर एंगल है। जैसे कि लेट अस सपोज कि ये मेरा वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इनके बीच में स्मॉलर एंगल यहाँ पे है, करेक्ट। तो ये मेरा ए है और ये बी है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं अपने राइट हैंड को रोटेट करूँगी तो कैसे करूँगी, ऐसे ए से बी की तरफ। अब आप बोलोगे ए और बी के बीच में ये वाला एंगल भी तो है, बट ये बड़ा एंगल है, वी विल नॉट कंसीडर दिस एंगल। जिधर छोटा वाला एंगल है उसी एंगल के ओरिएंटेशन में हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो ये ए है, ये बी है, हम ए से बी की तरफ यूं जाएंगे तो सी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। फटाफट से देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। बोले तो ए क्रॉस बी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो आप पूछोगे कि फिर ये किसके बराबर होता है, तो बेसिकली ए क्रॉस बी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। दूसरा प्रॉपर्टी, नो चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन बोले तो मतलब अगर मेरा वेक्टर ए ऐसा था, जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका तो ये कैसा हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बिकम माइनस ए, ठीक है। सो दैट्स रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि रिफ्लेक्शन पे देयर इज नो चेंज, मतलब कि ए क्रॉस बी जो है दैट इज इक्वल टू, मान लो ए का रिफ्लेक्शन हो गया तो ये हो जाएगा माइनस ए, बी का रिफ्लेक्शन हो गया तो ये हो जाएगा माइनस बी, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस माइनस बी, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। यानी कि अगर ए क्रॉस बी प्लस सी हम करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट्स हमें बिल्कुल पता होने चाहिए, हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन पे बहुत काम आता है। देखो तो कुछ कुछ बेसिक चीजें, अब a क्रॉस b होता क्या है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो a क्रॉस b की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, राइट। तो यानी कि अगर मैं i को i के साथ ही क्रॉस करूं तो ऑब्वियसली दोनों सेम वेक्टर की बात कर रही हूं मैं, तो बीच का एंगल क्या है, जीरो है। सो i क्रॉस i जीरो हो जाएगा, सिमिलरली j क्रॉस j जीरो हो जाएगा, k क्रॉस k जीरो हो जाएगा। ये तो हमें वैसे ही पता चल गया, बाकी देखो कैसे याद रखोगे। हमारे पास तीन चीजें हैं, i, j और k, ठीक है। तो याद रखने के लिए जस्ट अ मेमोरी टिप, आई क्रॉस जे जब करोगे तो आपका आंसर आएगा प्लस के, ठीक है।
जे क्रॉस के जब करोगे तो आपका आंसर आएगा प्लस आई। उसी तरह से इसी डायरेक्शन में घूमना है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई जब करोगे तो आपका आंसर आएगा प्लस जे। बस इतना अगर आपको याद रहा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब प्लस के होगा कब माइनस के होगा। तो देखो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, प्लस के, ठीक है। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, प्लस आई। और उसी तरह के क्रॉस आई जो है यह हो जाएगा प्लस जे, ठीक है। अब इन्हीं का उल्टा, अब जैसे i क्रॉस j अगर प्लस k है तो j क्रॉस i क्या होगा, अभी अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। तो अगर i क्रॉस j प्लस k है तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा, माइनस k। अगर अब i क्रॉस k क्या होगा, k क्रॉस i था प्लस j, सो i क्रॉस k हो जाएगा माइनस j। k क्रॉस j क्या होगा, j क्रॉस k क्या था, j क्रॉस k जब किया था तो प्लस i था, तो ये हो जाएगा माइनस i। तो बेसिकली कोई भी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसका तीसरा वाला होगा। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए ये वाला मेमोरी टिप आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। आई जे के लिख लो, तो आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की। मैथमेटिकल फॉर्म बोले तो जैसे अगर कभी भी मेरे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हो, लेट्स से एक है वेक्टर ए जिसे हम वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह लेट अस सपोज एक और वेक्टर दिया हुआ है जैसे कि वेक्टर बी जिसे हम लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, बोले तो ए क्रॉस बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो एक तो सीधा साधा सा तरीका है जिसमें ना हम प्रॉपर इनको मल्टीप्लाई करें, एज इन इसको हमने लिखा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखो यहां पर अभी अभी हमने जो यूनिट प्रोडक्ट्स का, यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस किया था ना, उसके हेल्प से हम कर लेंगे। जैसे इसके फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसके फर्स्ट टर्म को इसके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट को इसके थर्ड से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह फिर इसको भी इस टर्म से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड वाले से किया, फिर थर्ड वाले से किया। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल पहला टर्म इसका है ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप। अब आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाता है, जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। दूसरा टर्म ए एक्स आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स बी वाई, और आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई के कैप, ठीक है। उसी तरह ए एक्स आई कैप के साथ जब बी जेड के कैप करेंगे राइट, तब क्या हो जाएगा ए एक्स बी जेड I क्रॉस K क्या हो जाएगा, हमने क्या रूल पढ़ा था I, J और K, I क्रॉस J करोगे तो K आएगा, J क्रॉस K करोगे तो I आएगा, और K क्रॉस I करोगे तो J आएगा। तो मुझे यहां करना है I क्रॉस K यानी कि माइनस J आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस में आ जाएगा J कैप। इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स आएंगे एंड फाइनली जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि यार ए क्रॉस बी को हम इतना लंबा सा याद तो नहीं रख सकते हैं, करेक्ट, और हर बार दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इतना लंबा कैलकुलेशन करना भी मुश्किल है। इसीलिए हमने क्या डिवाइस किया, हमने ये शॉर्टकट डिवाइस किया। देखो इसे अच्छे से समझना है, कभी भी आपके पास दो वेक्टर्स हो ए और बी और ए क्रॉस बी आपको निकालना हो तो आप चुपचाप एक इस तरीके का डिटरमिनेंट बना लो जिसके ऊपर क्या लिखा है आई जे के कैप लिख दिया, उसके नीचे ए के तीनों टर्म्स लिख दिए ए एक्स ए वाई ए जेड, उसके नीचे बी के तीनों लिख दिए बी एक्स बी वाई बी जेड। अब यहां से देखो शॉर्टकट क्या होगा, आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले आई कैप वाला कॉम्पोनेंट लो, जब i कैप वाला कॉम्पोनेंट लोगे तो i के नीचे मतलब i के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को भूल जाओ, जो बाकी बचा हुआ है उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करो ए वाई इंटू बी जेड
माइनस डी वाई इंटू ए जेड, ठीक है। तो आई कैप के साथ टर्म क्या रहेगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, देखो यही था ना पहला टर्म, ठीक है। अब लेट अस सपोज जे कैप, तो अब आपको चाहिए कौन सा टर्म, जे कैप वाला टर्म। जे कैप के टर्म के लिए क्या करोगे, जे का जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो है और जे का जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है इनको गायब कर दो, तो क्या क्या बचा, ए एक्स बी एक्स ए जेड और बी जेड, और इनको भी अब हम वापस वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको और इनको करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे। बट यहां पर एक चीज अलग होगी, पहले क्या था हमने ऊपर से नीचे वाला पहला टर्म लिया था, यहां पर ऊपर से नीचे वाला दूसरा टर्म लेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहला टर्म ये लेंगे ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ठीक है। और उसी तरीके से जब फाइनली आप के यूनिट वेक्टर वाला टर्म निकालोगे, तब आप क्या करोगे, ये के है तो के का कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम गायब हो जाएगा, तो ये बचा मेरे पास एक दो तीन चार, ये बचे, तो इनको भी फिर वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और उनका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरीके से निकालते हैं हम ए क्रॉस बी, किसी भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलो बच्चों अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले आप मुझे बताओ कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजिशन विथ टाइम, राइट। ठीक उसी तरीके से जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब एंगल के टर्म्स में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना एंगल कवर हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। अब एंगुलर वेलोसिटी में भी दो बातें होती है, एक होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो चलो समझे, तो लेट अस सपोज कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पेंसिल, और ये जो सी डी है दिस इज अ डिस्क जो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, राइट। तो यहां पर अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसने, इस ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल कवर किया, लेट अस से इसने इतना एंगल कवर किया इन टाइम डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, राइट। इसका मतलब है कि ये जो मेरा टाइम इंटरवल डेल्टा टी था दैट टेंड्स टू जीरो, राइट। मतलब मेरे पास इतना टाइम इंटरवल अब नहीं है, मैं एक इंस्टेंट की बात कर रही हूं, सो दैट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। तो यानी कि जो मेरा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय डी थीटा बाय डी टी। याद है हमने मैथ्स में जब लिमिट्स डेरिवेटिव्स पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये चीजें पढ़ी थी, राइट, कि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, राइट। एनीवेज अभी हम मैथ्स के अंदर नहीं घुसेंगे, तो अभी हमने दोनों बातें देख ली, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कौन बताएगा, वापस से वही राइट हैंड स्क्रू रूल। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट यू रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यानी कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो मेरा थंब का जो डायरेक्शन है ये मुझे बताएगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी इन दोनों में एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और वो रिलेशनशिप क्या होता है, देखो यहीं पे काम आने वाला है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का नॉलेज। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, जहां पर v मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, ओमेगा मेरा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है और r मेरा रेडियस वेक्टर है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। बहुत से लोग अक्सर ही ऐसा कह देते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ध्यान रहे v इज इक्वल टू आर ओमेगा ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, लेकिन v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r ये हमेशा ट्रू होता है। ऐसा क्यों, देखो ओमेगा क्रॉस r का मतलब क्या है, ओमेगा r साइन थीटा, राइट। मतलब ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर के बीच में जो थीटा है दैट साइन थीटा इज ऑल्सो देयर, तो जब वो थीटा 90 होगा तो साइन 90 विल बी 1, तो उस केस में v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा ये तब ट्रू होगा जब हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब जो वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, वो वाला वेलोसिटी जो है रेडियस से क्या होता है 90 डिग्रीज होता है,
करेक्ट। तो इसीलिए वैसे वाले केसेस में v इज इक्वल टू r ओमेगा इज ट्रू, बट इन जनरल रिलेशनशिप क्या होता है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो ऑन सिमिलर लाइंस अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इन जनरल क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, जहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पर हम थोड़ा सा ना कंपेयर कर लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को। देखो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था, वेलोसिटी, जिसे हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, वो क्या होता था, डी एस बाई डी टी, यानी कि चेंज इन पोजिशन विथ टाइम। रोटेशनल में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसे डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ये क्या होता है, चेंज इन एंगल विथ टाइम, सो डी थीटा बाई डी टी। उसी तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन होता है dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, और रोटेशनल में होता है एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज d ओमेगा by dt। ठीक है, तो ये एक एनालॉजी था। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के बारे में, जो कि है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। बोले तो जिस तरह से ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं तो वहां फोर्स होता है, वैसे ही रोटेशन मोशन में क्या होता है, टॉर्क। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक रॉड है इस तरीके से, ठीक है। अब इस रॉड पे मैंने ऊपर से फोर्स लगाया, ऊपर से फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली फोर्स की वजह से इसका कैसा मोशन हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। ठीक है, अब मान लो इसी रॉड को मैंने इस एंड से फिक्स कर दिया, अब ये फिक्स हो गया है, यहां से ये मूव नहीं करेगा। अब मैंने इधर से फोर्स लगाया नीचे की तरफ, क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जगह तो फिक्स है, तो अब हो क्या रहा है, रोटेशन हो रहा है, राइट, करेक्ट। अब इसकी रोटेशन होने लग गई है, तो ये जो रोटेशन है ये किसकी वजह से हो रहा है, टॉर्क की वजह से। ठीक है, ओके। अब देखो जब भी हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क में सिर्फ फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि भाई हमने कितना फोर्स लगाया, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि फोर्स कैसे और कहां लगाया, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, लेट अस सपोज ये रॉड है, ठीक है। पहले सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इस रॉड के इस एंड पे हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं और इस एंड पे हम नीचे से फोर्स लगाते हैं, मतलब इसको नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं और इधर ऊपर से नीचे की तरफ भेज रहे हैं। तो जब हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये यूं रोटेट करने लगता है, करेक्ट, रोटेशन हो रहा है, क्लियर। अब मान लो जितना फोर्स मैं ऊपर से लगा रही थी अब मैं उतना ही फोर्स लगा रही हूँ, नीचे से जितना फोर्स लगा रही थी उतना ही लगा रही हूँ, लेकिन मैं इधर लगा रही हूं दोनों फोर्स, ठीक है, ऊपर से भी फोर्स है नीचे से भी फोर्स है। अब क्या हो रहा है, क्या ये रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट द फोर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट कि फोर्स कहां पे लग रहा है और कैसे लग रहा है। सो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टॉर्क को हम जनरली डिनोट करते हैं टाओ से। और अब हम एग्जाम्पल लेते हैं दरवाजे का, जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो वहां पर ना टॉर्क का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, तो चलो डेमो के साथ देखते हैं। तो अगर हम डोर के एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें तो कौन सा है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो जब हम इस डोर को खोलते हैं या बंद करते हैं तो वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, करेक्ट, देखो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। हम यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगे कि जब हम फोर्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आर की वैल्यू बहुत कम होती है, एज अ रिजल्ट मेरा टॉर्क कम होता है, जिसकी वजह से मेरा रोटेशन भी कम होता है। देखो जैसे कि मान लो मैं यहां से यहां पर फोर्स अप्लाई करती हूं तो क्या हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत पास में है, तो यहां पर मैं अगर इतना फोर्स अप्लाई कर रही हूं इसमें रोटेशन बहुत कम हो रहा है, इसीलिए देखो दरवाजा मुश्किल से खुल रहा है, राइट। वहीं अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफी दूर, यानी कि इस तरफ दरवाजे के इस तरफ अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो क्या है, जो आर की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए जरा सा फोर्स अप्लाई करते ही दरवाजा बड़ी आसानी से खुल जा रहा है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हमें पता लगता है कि फोर्स सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्स कैसे लग रहा है और किस लाइन ऑफ एक्शन में लग रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रोटेशनल मोशन।
टॉर्क का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने का टाइम है, ठीक है। सो मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मतलब देखो, टॉर्क क्या था मेरा, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, राइट। मतलब जब ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहां हम फोर्स की बात करते हैं, यहां हम रोटेशन में टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क और फोर्स में क्या रिलेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड फोर्स, ठीक है। तो इसे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, राइट। तो यहां पर जो एंगल है पोजिशन वेक्टर और फोर्स के बीच में, दैट एंगल इज प्लेइंग अ रोल, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है हमें। अब देखो यहां से ना हम एक चीज और बता सकते हैं, इसको लिखने का एक तरीका यह भी हो सकता है, आर साइन थीटा इंटू एफ। सो आर साइन थीटा क्या हो गया, बेसिकली परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द रेडियस मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ रेडियस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। क्योंकि टॉर्क के केस में ना फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फोर्स किस तरह से एक्ट कर रहा है, फोर्स कितना है दैट इज फाइन, बट फोर्स किस ओरिएंटेशन से एक्ट कर रहा है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। और इसको हम एक और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको हम टॉर्क को हम ये भी लिख सकते हैं कि आर इंटू एफ साइन थीटा, यानी कि आर रेडियस इंटू परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का वो वाला कॉम्पोनेंट जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये भी एक तरीका है इसको लिखने का। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आता है मैथमेटिकली कि टॉर्क जो है ये पोजिशन वेक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है, और दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक केस लेते हैं, लेट अस सपोज इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा, या फिर अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तब भी साइन थीटा जीरो हो जाएगा, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर फोर्स जीरो नहीं भी हुआ बट स्टिल टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो इसीलिए अगर आप देखोगे कि आप दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो दैट इज एट जीरो डिग्री विथ द पोजिशन ऑफ द डोर, तो क्या डोर खुलेगा, तब क्या डोर रोटेट होगा, नहीं होगा, बिकॉज टॉर्क इज जीरो। दूसरा केस, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है, यानी कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है, विच इज आर इंटू एफ। इसीलिए जब भी हम फोर्स को 90 डिग्रीज में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे दरवाजा खोलने के लिए भी अगर आप देखो, अगर हम 90 डिग्रीज में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टॉर्क ज्यादा है, तो दरवाजा बड़ी ही आसानी से घूम के खुल जा रहा है, करेक्ट। तो ये दो चीजें थी। अब बात करते हैं कि टॉर्क किस तरह की क्वांटिटी है। सीधा सीधा साफ पता चल ही रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि टॉर्क में जो है डायरेक्शन इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। एसआई यूनिट की बात करें तो यहां पर देखो, टॉर्क दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक तो पोजिशन वेक्टर जिसका यूनिट होता है मीटर, और दूसरा है फोर्स, और फोर्स का होता है न्यूटन। सो न्यूटन मीटर इसका एसआई यूनिट है। डायमेंशन तो आप निकाल ही लोगे, नॉट अ बिग डील, राइट। मतलब रेडियस है और फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स को आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, है, तो आप उस तरीके से निकाल लोगे। इफ यू वांट वी कैन डू इट। जैसे टॉर्क क्या है, आर इनटू एफ, तो बेसिकली आर क्रॉस एफ है, बट चूंकि अभी डायमेंशन निकाल रहे तो रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियस बेसिकली इज पोजिशन वेक्टर, सो पोजिशन वेक्टर इज एल, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास का एम हो जाएगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर माइनस 2, ये हो जाएगा टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बारी आई है अगले क्वांटिटी की, विच इज एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, वैसे ही रोटेशनल मोशन में हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करेंगे एल से, ठीक है। तो यहां पर भी हम देखते हैं जिस तरह से फोर्स और टॉर्क के बीच में रिलेशन होता है, जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है, उसी तरीके से लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच में भी रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या है, एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, पी यानी कि लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, यानी कि रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर के बीच का जो थीटा है उसका भी रोल होता है टू डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर,
ठीक है। इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। चलो देखें, अब हम देखते हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये देखते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, यानी कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। कैसे, चलो करके देखें। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा अबाउट एंगुलर मोमेंटम एल, उससे हमें क्या पता लगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये एल क्या है, एल है एंगुलर मोमेंटम और ये पी क्या है, ये है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में ये रिलेशनशिप है। ठीक है, अब मुझे टॉर्क के साथ इनका रिलेशन निकालना है, सो लेट्स डू वन थिंग, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो डी एल बाई डी टी इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो मैंने सिखा रखा है और मुझे उम्मीद है कि आप सबने देखा है वो वीडियो, अगर नहीं देखा है तो जाकर चेक कर लो, बेसिक कैलकुलस लर्नो हब ऐसे सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम a इंटू बी का dt निकालते हैं तो एक बार हम करेंगे डी आर बाई डी टी क्रॉस p और दूसरी बार r को एज इट इज रखेंगे क्रॉस डी पी बाई डी टी। ठीक है, अब डी आर बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन पोजिशन विथ टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा v क्रॉस p और ये हो जाएगा r क्रॉस डी पी बाई डी टी। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम हमें पता है इज मास इनटू वेलोसिटी, सो m इनटू v हो जाएगा। v क्रॉस v क्या हो जाएगा, i क्रॉस i क्या होता है, जीरो, क्योंकि जब दोनों सेम चीज का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उनके बीच का एंगल थीटा इज जीरो, तो इसीलिए ये वाला जो टर्म है दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अभी भी dl बाई dt ही है, सो दिस इज इक्वल टू R क्रॉस dp बाई dt। dp बाई dt क्या हो जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ टाइम। याद करो न्यूटन सेकेंड लॉ, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था ये भी, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ टाइम। तो इसीलिए dp बाई dt के बदले में हम लिख सकते हैं R क्रॉस F। ठीक है, सो R क्रॉस F क्या होता है, दैट इज टॉर्क। तो इससे हमें क्या पता चला कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। तो यही तो कह रहा था ये स्टेटमेंट कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन तो सबको क्लियर हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कि यार मान लो अगर मैं बात कर रही हूं एक सिस्टम की, एक पार्टिकल की नहीं बल्कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, वहां पर भी हम इसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो जब एक पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उस पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, कैपिटल एल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस डॉट 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 अप टू एल एन। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स के जितने भी एंगुलर मोमेंटम है सबको एडअप करके मुझे पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ समेशन ऑफ एल आई। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या पता है ये जो एल आई है, जो हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में मुझे क्या पता है कि एल आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई। तब एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए तो यही होगा, क्योंकि अभी तक ये जो हमने डिस्कस किया दैट वॉज फॉर वन पार्टिकल, अब हम इसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। तो फिर कैपिटल एल क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आर आई क्रॉस पी आई। तो कॉन्सेप्ट वही रहा, जस्ट दैट वहां पर हम एक एक पार्टिकल की बात कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम की, और यहां पर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इस पूरे सिस्टम की। ठीक है, तो जब हम इस पूरे सिस्टम का सिचुएशन देखेंगे तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि पूरे सिस्टम के लिए भी डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, बट दिस इज टॉर्क एक्सटर्नल। क्यों, इंटरनल टॉर्क के साथ तो वही होगा,
जैसा हमें पता है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ से, इनसाइड द सिस्टम जो फर्स्ट पार्टिकल है वो सेकंड पार्टिकल पे कुछ टॉर्क लगाएगा, तो सेकंड भी फर्स्ट पे कुछ टॉर्क लगाएगा, तो बेसिकली सारे इंटरनल टॉर्क जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जब हम बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ओके, तो हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिया टॉर्क, हमने पढ़ लिया एंगुलर मोमेंटम। आई थिंक इट्स टाइम दैट वी टेक अ लुक एट फ्यू न्यूमेरिकल्स, क्योंकि फिजिक्स में यार न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो फटाफट से एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड सिट स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विथ अ स्पीड ऑफ वी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो लेट अस सपोज ये मेरा स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, उसके ऊपर ये ट्रॉली है, ट्रॉली है तो भाई इसमें चक्का भी होगा, ये रहा, और इस ट्रॉली के एक कोने में एक बच्चा है, एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। और इस ट्रॉली की सिचुएशन कैसी है, ट्रॉली जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड वी से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर, ये मेरा सिचुएशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द चाइल्ड गेट्स अप, अभी तक तो बच्चा जो है इस कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन अब मान लो द चाइल्ड गेट्स अप, वो उठ जाता है एंड रन्स अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैनर, और वो ऊपर जो है ना इस ट्रॉली के ऊपर दौड़ा दौड़ी करने लगता है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रॉली और ये चाइल्ड, इस पूरे चीज को मिला के मेरा क्या बन रहा है, दैट इज माई सिस्टम, ठीक है। तो मेरे लिए पूरा सिस्टम क्या है, ट्रॉली प्लस चाइल्ड, ठीक है। अब अगर बच्चा इसके ऊपर दौड़े भागे कुछ भी करे, वो क्या है, दैट इज ऑल इंटरनल टू द सिस्टम, करेक्ट। उससे बच्चे के दौड़ने भागने से एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बिकॉज दीज आर ऑल इंटरनल, करेक्ट। तो बच्चे का रनिंग जो है दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरनल टू द सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से किसी तरह का फोर्स इस पे लग रहा है नहीं, तो एफ एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चूंकि एफ एक्सटर्नल जो है दैट इज जीरो, देयर इज नो चेंज, तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है दैट रिमेन्स अनएफेक्टेड, सो नो चेंज इन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अलोंग पैरेलल लाइंस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। मतलब ये मान लेते हैं दो पैरेलल लाइंस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है, और इसमें दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लो एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस में मूव कर रहे हैं, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी, ठीक है। शो दैट द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज द सेम व्हाट एवर बी द पॉइंट अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन, ठीक है। तो अब लेट अस सपोज कि ये मेरा पार्टिकल ए है और ये मेरा पार्टिकल बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं अगर एंगुलर मोमेंटम निकालूं, ठीक है, चाहे मैं ए के अबाउट निकालूं, चाहे मैं बी के अबाउट निकालूं, चाहे मैं किसी के भी अबाउट निकालूं, जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज गोइंग टू बी द सेम। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अस सपोज ये एक मैंने पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी, और यहां पर बीच में कोई पॉइंट ले लिया सी, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लेट अस फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए है तो ए सबस्क्रिप्ट लिख दिया। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। तो एम वी क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल तो दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल भी वी है, तो एम वी हो जाएगा इंटू आर। अब चूंकि हम ए के अबाउट निकाल रहे हैं तो ये जो ए पार्टिकल है इसका आर क्या है, इसका आर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो ए पर ही लोकेटेड है ना, इसी लाइन पे लोकेटेड है, लेकिन
जब हम बी इस वाले पार्टिकल की वजह से एंगुलर मोमेंटम इस लाइन से निकालेंगे तो ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, मतलब बी जो है वो ए से कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे, राइट। तो ये हो जाएगा एम वी इंटू डी, तो कुल मिला के एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी डी। अब ठीक इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं अबाउट पॉइंट बी, इसे डिनोट करेंगे हम एल बी से, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा एम वी इंटू। अब देखो जब हम इसका इस ए पॉइंट का, अब जब हम इस ए पॉइंट का जो ऊपर मूव कर रहा है विथ वी, इसका निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी, अब हम जब एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी निकालेंगे फॉर पॉइंट ए तो क्या हो जाएगा एम वी इंटू डी, क्योंकि डी डिस्टेंस है। लेकिन जब हम इस बी का खुद का निकालेंगे अपने अबाउट तो क्या आ जाएगा एम वी इंटू जीरो, क्योंकि बी के ऊपर ये पॉइंट बी जहां लाई कर रहा है उसी के अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जीरो है, तो ये भी हो जाएगा एम वी डी। अब लेट अस सपोज हमने ना दोनों के बीच में कोई पॉइंट ले लिया सी, ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, इसे हम डिनोट करेंगे एल सी से, तो ये क्या हो जाएगा एफ, जब ए का निकालेंगे इस सी के अबाउट तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी बाई टू, जब बी का निकालेंगे तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी बाई टू, तो ये हो जाएगा एम वी इंटू डी बाई टू प्लस एम वी इंटू डी बाई टू, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एम वी डी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट, हम कोई सा भी पॉइंट ले लें, हमेशा जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज कमिंग आउट टू बी द सेम। अब बात करेंगे हम रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में। कोई भी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है दैट इज जीरो, और जब उसके ऊपर टोटल टॉर्क जो है दैट इज ऑल्सो जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि अगर फोर्स की वजह से क्या होता है ट्रांसलेशन, राइट। तो अगर नेट नेट फोर्स जीरो है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है। उसी तरह अगर नेट नेट टॉर्क जीरो है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई भी रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों पे है तो वो कहलाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे तो है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पार्शियली इक्विलिब्रियम पर है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस रॉड। मान लो मैंने इस तरफ एक फोर्स लगाया F ऊपर से नीचे की तरफ, और इधर मैंने एक फोर्स लगाया F नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो नेट फोर्स है, चूंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, तो नेट फोर्स इज जीरो, दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन जो नेट टॉर्क है दैट इज नॉट जीरो, क्योंकि इधर से फोर्स लगाया नीचे की तरफ, इधर से फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो ये रोटेट करने लग जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब इस केस में नेट फोर्स इज जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो, तो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन पार्शियल इक्विलिब्रियम। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो कुछ सिचुएशंस ऐसे आ सकते हैं जहां पर दोनों ही जीरो है। लेट्स से यहां से फोर्स लगाया, नीचे से भी यहीं से फोर्स लगाया, और दोनों जो है सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, तो नेट फोर्स भी जीरो है और यहां पर नेट टॉर्क भी जीरो है। सो द सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो यहां पर जो सिस्टम है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर है। अब यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगी एक और नया कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं कपल। कपल वर्ड का मतलब इन जनरल क्या होता है, जोड़ी, हस्बैंड वाइफ का कपल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कपल, राइट। सो जो पेयर में आता है दैट्स कपल। तो यहां पर कपल क्या होता है, दो ऐसे फोर्सेस जो इक्वल होते हैं, जो ऑपोजिट होते हैं और जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये है क्या चीज। लेट अस सपोज ये दो फोर्स हैं, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। लेकिन वही मान लो अगर ऐसे हो दो फोर्सेस, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है और लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है, तो कपल ऐसे वाले फोर्सेस को हम कहते हैं। कपल का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, रोटेशन। ये एग्जांपल मैं पहले भी कई बार दे चुकी हूं कि लेट अस सपोज इधर से एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इधर से एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, रोटेशन, करेक्ट। अब मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूं। लेट अस सपोज कि आपको ये टास्क मिला है कि इस बॉटल का ढक्कन आपको खोलना है इसे घुमा के, यानी कि क्या करना है आपको, इस ढक्कन को रोटेट करना है। नॉर्मली हम सबको आदत होती है, अरे ये खुल गया,
So that's how we open it, right? लेकिन अभी हम इस कपल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको थोड़ा सा बारीकी से फोकस करेंगे. जब हम इस टाइट से लगे हुए ढक्कन को खोलना चाहते हैं, लेट अस सपोज मैं अपने इन दो फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ. बहुत ध्यान से आप अपने लिए ये करके देखो. आप ये नोटिस करोगे कि आपका जो ये इंडेक्स फिंगर है ना, ये जो फोर्स लगा रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपका जो थंब है ये इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. तो बेसिकली ये दोनों फिंगर्स जो हैं ये इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं इन डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? रोटेशन. उसी से रोटेशन हो रहा है और मेरा ढक्कन खुल जा रहा है. इनफैक्ट अगर आपने कभी बॉटल ओपनर से बॉटल की लीड ओपन की है, जैसे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल की ढक्कन खोलने के लिए हम बॉटल ओपनर यूज करते हैं, राइट, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है. देखना आप, एक तरफ जो है ना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दूसरी तरफ ऊपर की तरफ, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है? रोटेशन होता है, जिससे जो ढक्कन है वो यूं खुल के निकलता है. अब हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फॉर अ लिवर. तो सबसे पहला सवाल कि लिवर क्या होता है? तो लिवर जो है वो बेसिकली एक लाइट वेट रॉड होता है जिसको हम उसी लाइन के अलोंग किसी एक पॉइंट पर पिवोट कर देते हैं. द बेस्ट एग्जांपल दैट यू कैन थिंक ऑफ इज अ सी सॉ. चिल्ड्रंस प्ले एरिया में सी सॉ तो आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, जिसमें दो साइड दो बच्चे बैठते हैं और ये यूं यूं ऊपर नीचे जाता है, राइट. तो देखा होगा आपने कि वो जो रॉड होती है ना, वो रॉड के अबाउट ही एक पॉइंट होता है जहां पर वो पिवोटेड रहता है, वो फिक्स्ड रहता है. तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम, ठीक है. तो चलो अब सी सॉ का एग्जाम्पल लेते हुए ही हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को समझते हैं. मोमेंट्स मतलब मोमेंट्स इज बेसिकली मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है. एक बात का ध्यान रखना है कि ये लिवर जो है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पर भी हो, यानी कि इस पे नेट फोर्स जीरो हो, और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी हो, यानी कि इस पे नेट टॉर्क भी जीरो हो. तो चलो अब एक लीवर का एग्जाम्पल लेते हुए, इनफैक्ट सी सॉ का एग्जाम्पल लेते हुए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है. तो कुछ इसी तरीके का होता है अपना जो सी सॉ रहता है चिल्ड्रंस प्ले एरिया में, एंड लेट अस से दिस इज द फलक्रम, ठीक है. तो मान लेते हैं कि यहां पर जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज आर, जो कि ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और दोनों एंड्स पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है लेट से दैट इज एफ वन एंड एफ टू, ठीक है. ये दोनों एंड्स पे एक्ट कर रहा है. सो अभी तब उस सिचुएशन की बात कर रही हूं जहां पर हम कुछ नहीं कर रहे. सो इन जनरल दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग. लेट अस से इस वाले एंड का जो डिस्टेंस है फलक्रम से दैट इज डी वन, इस वाले एंड का जो डिस्टेंस है फलक्रम से दैट इज डी टू, ठीक है. तो अब अगर मैं बात करती हूं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होना पड़ेगा, राइट. और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोले तो आर जो है यानी कि जो नेट अपवर्ड फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, करेक्ट. यानी कि आर माइनस एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू जीरो. और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे होने के लिए इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होना चाहिए. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो नेट टॉर्क है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? तो इधर से टॉर्क की अगर बात करो तो फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज एफ वन डी वन, ये कितना होना चाहिए? इधर के टॉर्क के बराबर, यानी कि एफ टू डी टू के बराबर होना चाहिए. तो इसे हम लिख सकते हैं एफ वन डी वन माइनस एफ टू डी टू शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी ये जो सी सॉ है इट विल बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्लियर. अब देखो यहां पर हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं. जैसे ये जो F1 है इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं लोड, ठीक है. ये जो F2 है जिस एंड पे, इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है एफर्ट. नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है. तो एक नया टर्म आया लोड और एक दूसरा टर्म आया एफर्ट. देखो नाम से ही पता चल रहा है, एफर्ट बोले तो इनपुट, जो हमको मेहनत लगाना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और लोड बोले तो जिसको उठाना पड़ रहा है, दैट्स लोड, ठीक है. तो आपने देखा होगा कि जब मैं हम इसको मतलब सी सॉ का एग्जाम्पल अगर सोचो तो एक तरफ को अगर आप अपने हाथ से नीचे करते हो तो दूसरा वाला साइड ऊपर जाता है, राइट. सो एक तरफ एफर्ट जा रहा है और दूसरी तरफ आपका लोड है.
तो अब लोड और एफर्ट के नाम के ऊपर ही ये भी कुछ नाम रखे गए हैं, जैसे कि ये जो डी वन है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लोड आर्म। ठीक उसी तरीके से ये जो डी टू डिस्टेंस है, मतलब एफर्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम फलकर्म, उसे हम कहते हैं एफर्ट आर्म। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे। सो ओवरऑल हम क्या नोटिस करते हैं, ओवरऑल हम ये नोटिस करते हैं कि यहां पर अगर आप ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन को देखो, सो दिस इज बेसिकली, इसका मतलब एक्चुअली क्या है, इस कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब है कि लोड आर्म मल्टीप्लाइड बाय लोड शुड बी इक्वल टू एफर्ट आर्म मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट। ठीक है, बस खाली टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिए मैंने। तो बेसिकली अगर नेट टॉर्क इसका जीरो होना है, अगर इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहना है, तो लोड आर्म इंटू लोड शुड बी इक्वल टू एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक और टर्म हमारे पास आ जाता है, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिवर। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से आप इस नाम पे फोकस करो, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिवर, मतलब लिवर का जो मैकेनिक्स है, मतलब लिवर जिस तरीके से बना हुआ है, वो हमारे लिए कई बार एडवांटेज हो जाता है। क्यों और कैसे, चलो समझते हैं। अब जैसे देखो, मैकेनिकल एडवांटेज हम किसे कहते हैं, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू F1 बाई F2 या फिर D2 बाई D1, तो इस रेशियो को हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अब देखो इसे मैकेनिकल एडवांटेज क्यों कहा जाता है। देखो यहां दो सिचुएशन हो सकती है, एक सिचुएशन की मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन। तो जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होगा, इसका मतलब क्या है कि D2 इज ग्रेटर देन D1, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इज D2 बाई D1। ठीक है, D2 यहां पे क्या है, एफर्ट आर्म, राइट। इसका मतलब है कि एफर्ट आर्म जो है दैट इज ग्रेटर देन लोड आर्म। तो जब एफर्ट आर्म लंबा होता है, जब एफर्ट आर्म लॉन्गर होता है, तो उस समय क्या होता है, हमारा बहुत कम एफर्ट लगता है लोड को लिफ्ट करने में। तो आप नोटिस करोगे कि कोई भी इस तरह का जो बैलेंस है ना, उसमें अगर जिस तरफ से आप एफर्ट डाल रहे हो, जो आपका एफर्ट आर्म है, वो अगर बहुत लंबा है कंपैरेटिवली, तो आप बड़ी ही आसानी से लोड को लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में स्मॉल एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द लोड। ठीक है, जो दूसरा केस है दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन, यानी कि एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला केस। तो ऐसे केस में क्या होगा, D2 विल बी लेस देन D1, राइट। यानी कि ऐसे केस में एफर्ट आर्म विल बी लेस देन द लोड आर्म। और जब ऐसा होता है, तो यहां पर आप देखोगे कि लार्ज एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द लोड। ठीक है, तो इसीलिए आप समझ रहे हो मैकेनिकल एडवांटेज हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर एफर्ट आर्म लॉन्गर हुआ तो ये हमारे एडवांटेज में हो जाता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा एफर्ट डाल के ही हम आराम से लोड को लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी पेन या पेंसिल या कोई भी स्टिक को एक पॉइंट पर आप अपने फिंगर टिप पे यूं बैलेंस कर लेते हो, राइट। देखो जैसे मैंने कर रखा है, ये बिल्कुल मेरे फिंगर टिप पे बैलेंस्ड है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का ये ऐसा पॉइंट जहां पर उसका नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क इज जीरो, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब चूंकि नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो है, टॉर्क चूंकि जीरो है, तो इसमें रोटेशन नहीं हो रहा है और ये बिल्कुल बैलेंस्ड यहां पर स्टैटिक है। जैसे ही मैं इसे हल्का सा यहां से इस पॉइंट से मूव कर दूंगी, जैसे देखो हल्का सा मूव कर दिया मैंने और धाएं गिर गया, राइट। क्यों गिर गया, क्योंकि ये टिल्ट कर गया। क्यों टिल्ट कर गया, क्योंकि इसमें एक नेट टॉर्क एक्ट करने लग गया, और जैसे ही टॉर्क एक्ट करने लगा, ये रोटेट करने लगा और धाएं गिर गया, राइट। तो चलो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रेविटेशनल टॉर्क। तो चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो यहां भी हम वही सीडी वाला एग्जांपल को ही दिमाग में रखेंगे। सो देखो, लेट अस सपोज कि ये जो सीडी है मेरा, जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट है, इसका मास है एम। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा विच इज एम जी। ठीक है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा नॉर्मल जो कि है कैपिटल आर।
ठीक है। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर ये सीडी मेरा बिल्कुल मेरे फिंगर के ऊपर बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब है कि जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, तभी तो वो एग्जैक्टली बैलेंस है, ठीक है। अब ये जो mg है ये बेसिकली क्या है, अब ये जो cd है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जैसे पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल्स है इसके अंदर। तो इसे हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 g इज इक्वल टू r। तो कुल मिला के इससे हम ये कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर मेरा cd बैलेंस हो रहा है तो उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉर्क की, ठीक है, क्योंकि यहां पे टॉर्क भी तो होगा इन सारे फोर्सेस की वजह से। अब ये जो मासेस है m1 की वजह से नीचे की तरफ रहेगा m1g, m2 की वजह से नीचे की तरफ रहेगा m2g, राइट। तो ये जो इंडिविजुअल मासेस हैं इनके फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे m1g m2g वगैरह वगैरह। तो अब अगर इफ नेट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या ये सीडी इस तरीके से बैलेंस रहेगा, नहीं, तो उस केस में ये टिल्ट कर जाएगा और गिर जाएगा, टिल्ट एंड फॉल, ठीक है। लेकिन अगर मेरा नेट टॉर्क जो है वो जीरो के बराबर हुआ, इसका मतलब नेट फोर्स भी उस पर जीरो है, नेट टॉर्क भी उस पर जीरो है, तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा उंगली के ऊपर, ठीक है। तो ये जो नेट टॉर्क है ये इन अ वे वी कैन से कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है, राइट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सीडी को अपनी तरफ नीचे खींचना चाहेगा, लेकिन ये जो नेट टॉर्क है ये उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल टॉर्क। तो अगर हम मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल टॉर्क को लिखना चाहें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज एक समेशन ऑफ टॉर्क आई, मतलब जितने भी ये m1 m2 m3 m4 करके जितने भी आई पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन सब के टॉर्क का समेशन, ठीक है। और टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आर क्रॉस एफ, तो इसे भी हम लिख सकते हैं आर आई क्रॉस एफ आई, एफ आई क्या हो जाएगा, एम आई जी, ठीक है, यही हो जाएगा फॉर ऑल द आई पार्टिकल्स। और हम क्या कह रहे हैं कि ये जो नेट टॉर्क है दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अब मेरा ये तो बैलेंस्ड है, सीडी मेरा बैलेंस्ड है, तो इसे लिख सकते हैं जी इंटू समेशन ऑफ आर आई एम आई इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स समेशन ऑफ एम आई आर आई इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर ध्यान देना है थोड़ा सा, ये जो रिजल्ट पे हम आ पहुंचे हैं, जिस सिचुएशन में मेरा सीडी बिल्कुल बैलेंस्ड है वैसे सिचुएशन में समेशन ऑफ एम आई आर आई इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखो जिन पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू है वो मेरा क्या है, वो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। और अगर जी की वैल्यू, ये वाली जी की वैल्यू अगर हर जगह बराबर है तो इसका मतलब है मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ये दोनों सेम पॉइंट सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है व्हेन दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो कुल मिलाकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हमने दो पॉइंट्स इकट्ठा किए, एक तो ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होंगे अगर जी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी, दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ मास हैज नथिंग टू डू विद ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास हमेशा किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास जो है वो एक वैसा ही सेंटर होता है जहां पर द होल मास कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड और उसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हो इसका मतलब है कि नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। सो नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क जहां भी इक्वल टू जीरो होगा दैट इज माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वो वाला पॉइंट जहां पर पूरे बॉडी का मास कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो सेंटर ऑफ मास कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किस तरीके से उस बॉडी में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये दोनों जो है ये बराबर या कोइंसाइड सिर्फ तब करते हैं जब जी जो है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड।
A car weighs 1800 kg. The distance between its front and back axles is 1.8 meters. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. ठीक है, पहले तो इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. लेट अस सपोज कि ये मेरा कार है. हालांकि ये कार जैसा दिख तो नहीं रहा है, बट इट्स ओके. ठीक है, और इसके मैंने ये व्हील्स बना लिए. ये फ्रंट व्हील है और ये बैक व्हील है. ठीक है, और फ्रंट व्हील और बैक व्हील के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? इट इज गिवन एज 1.8 मीटर्स. ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल. यानी कि कुछ कोई लेट सपोज यहां पर है, ये पॉइंट सी है, ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसका फ्रंट एक्सल से कितना डिस्टेंस है? 1.05 मीटर. ठीक है, इतनी बातें दी हुई है तो मुझे निकालना है. डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील. क्योंकि फ्रंट व्हील भी दो होंगे, बैक व्हील्स भी दो होंगे. ठीक है, अच्छा अब देखो, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें क्या पता है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पर होता है, राइट? क्योंकि नेट टॉर्क, जो नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क होता है वो उस पे जीरो होता है. तो बॉडी इज बेसिकली एट इक्विलिब्रियम एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब जहां हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो दो इक्विलिब्रियम आ जाते हैं. एक तो आ जाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा आ जाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. तो लेट अस सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की. इसका मतलब है कि जितना भी नेट अपवर्ड फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स. लेट अस सपोज कि इस पूरे कार का जो मास है दैट इज एम. ठीक है, तो नेट नेट इसका डाउनवर्ड में क्या फोर्स एक्ट करेगा? एम जी. और नेट नेट इसका अपवर्ड में क्या फोर्स एक्ट करेगा? बैक व्हील्स के वजह से आर बी, फ्रंट व्हील्स के वजह से आर एफ. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर बी प्लस आर एफ इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, अब कार का मास कितना दिया हुआ है? 1800. जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या मिला? आर बी प्लस आर एफ इज इक्वल टू 17640. ये मेरा इक्वेशन नंबर वन है. ठीक है, यहां तक. अब हम कंसिडर करेंगे कौन सा वाला इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो नेट टॉर्क है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. ओवरऑल कोई टॉर्क इस पर एक्ट नहीं करना चाहिए. अब देखो, फ्रंट बैक व्हील की अगर बात करें तो बैक व्हील की वजह से क्या टॉर्क एक्ट करेगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे? ऑब्वियसली सी से. ठीक है, यहां से मेजर करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा अगर बैक व्हील की बात करें तो? आर बी. और फिर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो बैक व्हील का डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा इतना, दैट इज 1.8. ये पूरा 1.8 माइनस 1.05, तो ये हो जाएगा 1.8 माइनस 1.05. ये हो जाएगा टॉर्क जब हम बैक व्हील की बात कर रहे हैं. उसी तरह से जब हम फ्रंट व्हील की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रंट व्हील के केस में आर एफ, और इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से? 1.05. तो 1.05 इज इक्वल टू जीरो. तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें निकलेगा आर बी बाई आर एफ इज इक्वल टू 7/5, जिसे हम लिख सकते हैं कि आर बी इज इक्वल टू 1.4 आर एफ. ठीक है, अब आर बी की ये वाली वैल्यू जो है इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन वन में. सो पुट आर बी इज इक्वल टू 1.4 आर एफ इन इक्वेशन वन. अब हम सिंपल मैथ्स कर रहे हैं आर बी और आर एफ की वैल्यूज निकालने के लिए. ठीक है, तो जब हम ऐसा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाली इक्वेशन में हम डाल देंगे आरबी के जगह 1.4 आरएफ प्लस आरएफ इज इक्वल टू 17640. तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो मुझे आरएफ की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट इज 7350 न्यूटन. ठीक है, तो आरएफ की वैल्यू मिल गई. अब आरएफ की वैल्यू मिल गई तो आरबी तो आराम से निकल जाएगी. तो आरबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आरबी विल बी इक्वल टू 17640 माइनस आरएफ विच इज इक्वल टू 10290 न्यूटन.
तो अब RF और RB निकल गया, ठीक है। हमें क्या निकालना था, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। तो बहुत से लोग बोलेंगे हाँ ठीक है यही तो है, देखो RF क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्रंट व्हील बाय द ग्राउंड, इसीलिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन हमें ईच फ्रंट व्हील और ईच बैक व्हील का बताना है। अभी हम जो बता रहे हैं ये दोनों बैक व्हील का इतना है, दोनों फ्रंट व्हील का इतना है। तो द मोमेंट वी टॉक अबाउट ऑन ईच व्हील, जैसे ही हम ईच व्हील की बात करते हैं तो ईच फ्रंट व्हील में कितना आएगा फोर्स, 7350/2। ईच बैक व्हील पे कितना आएगा, 10290/2। तो बेसिकली ये वैल्यूज हो जाएंगी 3675 न्यूटन और 5140 न्यूटन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से समझ लो, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो यार हमने इतने सारे क्वांटिटीज की बात की और हर जगह हमने देखा कि हर कुछ का, हर क्वांटिटी का एक रोटेशनल एनालॉग था। जैसे कि लीनियर वेलोसिटी अगर ट्रांसलेशन मोशन में था तो रोटेशनल मोशन में था एंगुलर वेलोसिटी, उधर लीनियर मोमेंटम था तो इधर एंगुलर मोमेंटम है, उधर फोर्स था तो इधर टॉर्क है, राइट। तो अब सोच रहे हैं कि यार मास, मास जो है ये हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन मोशन में, तो क्या रोटेशनल एनालॉग मास का भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है, और उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन प्रूफ क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये मास का रोटेशनल एनालॉग है? तो इसे प्रूफ करने के लिए हम निकालेंगे किसी भी रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि लीनियर, जब हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आता है एक रोटेटिंग बॉडी के लिए, और वहीं से पता चल जाएगा कि मास का रोटेशनल एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ बेसिक बातें, जैसे कि हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, इसे हम डिफाइन करते हैं समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर से। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी की का फॉर्मूला निकालेंगे तो वहां से साफ साफ दिख जाएगा कि ये आया कहाँ से, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है। तीसरी बात कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा एंड इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। सो लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जो कि रोटेटिंग है अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। अब हमें क्या पता है रोटेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि इस बॉडी के अंदर का कोई भी जो पॉइंट है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, राइट। सो लेट अस सपोज मैं एक पॉइंट पी की बात करती हूं, तो इसका जो है सेंटर से कितना डिस्टेंस है, लेट्स से आर, और इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब जो इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट इज वी, लाइक दिस, ठीक है। ये बेसिक बातें हमें पता है, और हमें यह भी पता है कि जब हम प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जब हम बात कर रहे हैं प्योर रोटेशन की, उस समय ओमेगा जो है दैट इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो अब तक हमें पता है, राइट। तो चलो अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। नाउ लेट्स से इस रोटेटिंग बॉडी में किसी भी आईएथ पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वी आई, दैट विल बी इक्वल टू आर आई इंटू ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अग्रीड। चलो अब बात करते हैं उस आईएथ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ एम आई वी आई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी तक जो हम बात कर रहे हैं ये हम किसी एक आईएथ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एंटायर सिस्टम, मतलब इस पूरे बॉडी की बात करते हैं। तो जैसे ही इस पूरे बॉडी के काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हम के आई का समेशन कर देंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n। अगर इसके अंदर nth पार्टिकल है तो कोई एक पर्टिकुलर ith पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n, सिंपल। चलो इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम आई
आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आई के ऊपर इंटीग्रेट किया है. सो दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा तो सबके लिए सेम है, तो बेसिकली ओमेगा इज लाइक अ कॉन्स्टेंट, तो ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर दिया. दिस इज समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. ठीक है, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम का एक्सप्रेशन आया. ठीक है, अब जो है इस ये हम कब किस चीज किस सिचुएशन की बात करें, रोटेशन के केस में. अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को देखें इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, लाइक नॉर्मली क्या होता है, के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, राइट. तो अब देखो हाफ यहां भी है, हाफ यहां भी है. ठीक है, यहां पर जो लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहां पर वही एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है. तो यहां पर क्या बच जाता है, मास, और यहां पर उस मास के बदले में क्या बच जाता है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. तो इसी एम आई आर आई स्क्वायर को हमने नाम रख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसीलिए हम कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दिस इज एनालॉगस टू मास. ठीक है, बात समझ में आई. तो हम इन रोटेशन हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब सबको समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्यों मास का रोटेशनल एनालॉग है. तो बच्चों अब इस सेक्शन में हम कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाले हैं. हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं. तो ये हम अलग अलग चीजों के लिए कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हम थिन रिंग के लिए कैलकुलेट करेंगे, हम यूनिफॉर्म रॉड के लिए कैलकुलेट करेंगे. और देखो हर जगह मैंने ये बताया हुआ है कि किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है. तो आप डायमीटर के अबाउट निकाल रहे हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट निकाल रहे हो, उससे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. तो हम यूनिफॉर्म रॉड के लिए देखेंगे, सर्कुलर प्लेट, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सारी चीजें जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो. इनमें से काफी सारी चीजें हम अभी कैलकुलेट करेंगे. तो चलो हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ थिन रिंग. तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका थिन रिंग. ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि इस रिंग का जो मास है दैट इज कैपिटल एम, और इस रिंग का जो रेडियस है दैट इज आर. ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हमने अज्यूम कर ली. ठीक है, अब लेट अस सपोज कि ये जो रिंग है, ये रिंग छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है. ठीक है, तो ये जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है, अभी चूंकि हम जितने भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाली चीजें करेंगे ना, तो इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं मास एलिमेंट्स. मतलब ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनको साथ में ले करके ही इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास बनता है. ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया. अब इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है. तो लेट्स से कि दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से. मतलब इसको अगर आप ऐसे वाले व्यू से देखो, सो दिस इज हाउ द रिंग इज, और ये यूं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस रिंग के ऊपर ऐसे छोटे 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 इसके पार्टिकल्स हैं जिसे हम मास एलिमेंट्स कह रहे हैं. ठीक है, तो ये जो है ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो सिचुएशन सबको समझ में आ गया. ठीक है, अब देखो ये जो मास एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे मास एलिमेंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर, यानी कि जितना रेडियस है उतने डिस्टेंस पे है, और ये ओमेगा से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. तो अगर मैं पूछूं कि स्पीड ऑफ ईच मास एलिमेंट कितना है, हर एक मास एलिमेंट का जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू वी, विच इज इक्वल टू आर ओमेगा, जहां पर आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग. ठीक है, अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू कैपिटल एम, जो कि मास ऑफ द रिंग है, इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, और मुझे क्या पता है, कोई भी रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को देख लो, पहला और दूसरा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, तो राइट हैंड साइड को भी हम इक्वेट कर सकते हैं. अगर राइट हैंड साइड को इक्वेट किया तो क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर.
करेक्ट. सो अगर राइट हैंड साइड को इक्वेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वायर एंड दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू कैलकुलेट. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ थिन रिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो पहला था, तो मुझे पता नहीं कि कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन एक दो और हम निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस लॉजिक से हम इसे निकालते हैं. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे एक रिजिड मासलेस रॉड की विथ टू मासेस. ठीक है, मासलेस रॉड मतलब वी आर एज्यूमिंग कि जो रॉड है इसका कोई खुद का मास नहीं है, इसके अंदर सिर्फ दो मासेस लगे हुए हैं जो हमें यहां पर दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, जो दो ऑरेंज बॉल्स दिख रहे हैं. तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि इस रॉड का जो लेंथ है दैट इज एल, और हम ये भी मान लेते हैं कि ईच मास जो है, ये जो दोनों मास है उसमें से एक ईच मास इज एम बाई टू. सो दैट मीन्स ये एम बाई टू है, ये भी एम बाई टू है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एल, और ये जो है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये इस तरीके से ये रॉड घूम रहा है. ठीक है, और ये इसके बीच में से पास हो रहा है, सो बेसिकली दिस इज एल बाई टू एंड दिस डिस्टेंस इज एल बाई टू. ठीक है, ये मेरा सिचुएशन है. अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. करेक्ट, जहां पर आई इज इक्वल टू 1 टू एन. अब यहां पर देखो इस पूरे सिस्टम में मेरे पास कितने मास एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो रॉड है दैट इज मासलेस, यानी कि रॉड में हम कोई मास एलिमेंट कंसिडर नहीं करेंगे. तो दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ दो ही मास एलिमेंट है, एक ये और एक ये. करेक्ट, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं सीधा सीधा लिख सकती हूं एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मास एलिमेंट्स तो है ही नहीं, दो ही है. तो एम वन की वैल्यू क्या है, एम बाई टू. आर वन स्क्वायर, आर वन की वैल्यू क्या है, एल बाई टू, सो एल बाई टू का होल स्क्वायर. उसी तरह एम टू की वैल्यू है एम बाई टू, और आर टू की वैल्यू है एल बाई टू, इसका भी होल स्क्वायर. तो आई की वैल्यू क्या हो गई, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो एज सच कोई स्ट्रिक्ट प्रोसेस नहीं है, बट लुकिंग एट द सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा अप्रोच से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे. ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अब हम बात करते हैं एक यूनिफॉर्म रॉड की, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो लेट अस सपोज कि ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस रॉड का. ठीक है, तो अब यहां पर गिवन चीजें क्या है, लेट अस सपोज कि ये जो रॉड है इसका मास है m, रॉड के लेंथ की अगर हम बात करें तो इसका लेंथ है l, और हमें क्या निकालना है, टू फाइंड क्या है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज ए बी. सो लेट अस सपोज ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट निकालना है. ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो रॉड है ये किस तरीके का रॉड है, इसमें कितने मास एलिमेंट्स हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, बता नहीं सकते, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी रॉड है इसके अंदर ऐसे 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 मास एलिमेंट्स भरे हुए हैं. सो बेसिकली ये जो रॉड है इस रॉड के अंदर किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है. अब जहां पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है वहां पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहां पर हम समेशन नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन पे जहां पर भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, वहां पर हम एक मास एलिमेंट, एक छोटा सा मास एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर स्मॉल मास एलिमेंट, या फिर एक स्मॉल एलिमेंट ही कंसिडर कर लेते हैं, मास तो हम इसका निकाल लेंगे. तो हमने इस रॉड में से एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, इतना सा एलिमेंट कंसिडर किया dx, क्योंकि रॉड की तो अभी फिलहाल हमें लेंथ दिख रही है, राइट. तो इसी लेंथ में से एक छोटा सा लेंथ ले लिया हमने dx. ठीक है, अब इस dx का हमें मास निकालना है, एक बार मास निकाल लेंगे तो वो मास एलिमेंट बन जाएगा, राइट. कैसे निकाल लेंगे इस dx का मास, dx का मास निकालने के लिए हम इस पूरे रॉड का मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे. तो पूरे रॉड का मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द रॉड पर यूनिट टोटल लेंथ ऑफ द रॉड.
ठीक है ना। तो मतलब एक बार अगर मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, बोलने का मतलब है कि भैया एल लेंथ का जो मास है दैट इज कैपिटल एम, तो फिर डी एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम बाई कैपिटल एल, एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो ये जो एम बाई एल है दैट इज बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ। तो ये लॉजिक तो सबको पता ही है ना, ये हम लोग यूनिटरी मेथड करते थे यार मैथमेटिक्स में, बच्चों वाली चीजें, ठीक है। तो ये मास पर यूनिट लेंथ निकल गया। अब एक बार मास पर यूनिट लेंथ निकल गया तो हम मास ऑफ जो मेरा छोटा सा डी एक्स एलिमेंट है वो भी निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है हम पहले किसका निकालेंगे, डी एक्स एलिमेंट का, जो छोटा वाला एलिमेंट है उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दैट इज डी आई, चूंकि डी एक्स एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसको भी डी आई से डिनोट करेंगे। सो डी आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट। तो एम क्या हो जाएगा इसका, डी आई छोटा सा एलिमेंट है उसका एम हो जाएगा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, एक्स है इस छोटे से डी एक्स एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द एक्सिस जो कि एक्स है, सो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये डीएम क्या है, डीएम इज बेसिकली जो मास था ये डी एक्स एलिमेंट का, वही तो डीएम है जो हमारा मास एलिमेंट था, करेक्ट। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां तक कोई डाउट नहीं है, कुछ भी खास नहीं किया है, जो मैं बता रही हूं बस उसी को लिख रही हूं, ठीक है। हमने पहले क्या किया, छोटा सा एलिमेंट लिया, अब इस एलिमेंट का मास निकालना होगा तभी तो मास एलिमेंट मिलेगा हमें, तो हमने इस एलिमेंट का मास निकाल लिया। अच्छा, इस एलिमेंट का मास निकाल लिया, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इस छोटे से एलिमेंट का ही निकाल लेते हैं। तो वही किया हमने, डी आई निकाल लिया, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से एलिमेंट का। अब क्या करेंगे, अब हम इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, विच इज सो सिंपल। अब आई क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, सिंपल। अब बस सिंपल मैथमेटिक्स लगा के इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप सोचो कि इतना सिंपल है क्या इंटीग्रेशन, अगर आप लोगों ने मेरी बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की वीडियो देख रखी है तो ये आप इंटीग्रेट आराम से कर लोगे, ठीक है। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो मैं यहां पर नहीं समझाऊंगी। सो एम और एल, मास और लेंथ तो हमारा गिवन था, सो दे आर कॉन्स्टेंट, इनको बाहर कर दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर टू प्लस वन दैट इज थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस वन दैट इज थ्री, ऐसे ही करते हैं इंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगेंगी, देखो अब हम इस पूरे लेंथ के ऊपर कर रहे हैं, राइट। तो ये जो एक्स की वैल्यू है ये कहां से कहां तक जाएगी, एक्स की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी। तो अगर ये मेरा जीरो है तो ये वाली पॉइंट मेरी क्या है, लेट से दिस पॉइंट, मतलब पूरा लेंथ कितना है, एल है, यानी कि ये आधा डिस्टेंस एल बाई टू है, ये भी आधा डिस्टेंस एल बाई टू है, राइट। बट अगर इसे ओरिजिन मांगे माने तो इधर अगर प्लस एल बाई टू है तो इधर माइनस एल बाई टू होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो एक्स की जो हम लिमिट्स डालेंगे वो कहां से कहां तक, माइनस एल बाई टू से लेकर के प्लस एल बाई टू तक। तो ये हो जाएगा माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, ठीक है। तो चलो अब इसकी वैल्यूज डाल देते हैं, एम बाई एल, और अंदर ये हो जाएगा एल बाई टू का होल क्यूब बाई थ्री, सो दैट इज एल क्यूब डिवाइडेड बाई 24 माइनस माइनस एल क्यूब डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो इस केस में मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल गया इस पूरे सिस्टम का, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ ये जो फॉर्मूले है ना, कुछ कुछ अगर आपके हैंडी आपको याद रहे तो अच्छा रहता है, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट अदरवाइज यू शुड नो द प्रोसेस कि इसको किस मेथड से हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्क्यूलर प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये रहा हमारा सर्कुलर प्लेट, रिंग और प्लेट में फर्क तो सबको पता है, रिंग इज लाइक अ बैंगल जिसका अंदर पूरा हॉलो होता है, खाली होता है, प्लेट इज लाइक अ प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं, सो दैट्स हाउ द प्लेट लुक्स लाइक। और ये मेरा एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे इस सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेट अस सपोज कि इस प्लेट का जो मास है दैट इज एम और इसका जो रेडियस है दैट इज आर,
तो ये गिवन चीजें हैं, तो इनके टर्म्स में मुझे इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पर बच्चों क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, राइट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। एलिमेंट कैसा होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर तो एक प्लेट है, तो इस प्लेट में से एक पतली सी पट्टी ऐसे निकाल लेंगे हम, राइट। क्योंकि देखो जो स्मॉल एलिमेंट हम लेंगे वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसी को ही हम इंटीग्रेट कर दें, मतलब ऐसे ही और बहुत सारे एलिमेंट्स, ऐसे ही छोटे 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 और भी रिंग्स हम ले लें तो मुझे ये पूरा प्लेट मिल जाए, राइट। तो उसको दिमाग में रखते हुए हमें इसका एक पतला सा स्मॉल एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो हमने जो एलिमेंट लिया, लेट अस सपोज कि ये जो एलिमेंट है इसकी थिकनेस कितनी है, dx है, और ये जो है सेंटर से x डिस्टेंस पर है, सेंटर से x डिस्टेंस पर है और इसकी थिकनेस है dx, ठीक है, यहां तक भी सही है, ओके ग्रेट। अब देखो यहां पर जो है ना प्लेट की बात हो रही है, तो यहां पर हम मास पर यूनिट लेंथ की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम मास पर यूनिट एरिया की बात करेंगे, राइट, क्योंकि इस प्लेट का क्या है, एरिया है। तो सबसे पहले तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगा, पूरे प्लेट का मास है m और प्लेट जो है ये सर्कल के फॉर्म में है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो विथ दिस लॉजिक हम कह सकते हैं कि मास ऑफ द एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है अभी, ये जो पतली वाली जो रिंग है, इसका मास क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया यानी कि m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू इंटू dx बोलोगे आप, लेकिन सिर्फ dx से तो चलेगा नहीं, ये जो मैंने रेड मार्क किया है इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई r, राइट, इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r नहीं 2 पाई x, सो 2 पाई x इंटू dx, ये हो जाएगा इसका एरिया, 2 पाई x में ये कवर हो जाएगा ये सर्कमफेरेंस और dx में ये थिकनेस कवर हो जाएगा, राइट, तो 2 पाई x dx जो है वो इसका एरिया हो जाएगा, मतलब जो मेरा छोटा सा एलिमेंट है उसका एरिया, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज माय dm, मतलब जो मेरा छोटा सा एलिमेंट था उसका मास इज dm, तो dm मेरा ये हो गया। अब देखो इसमें जैसे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, सो कुल मिला के dm इज इक्वल टू 2m x dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस dm का, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा di, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, dm into x square, क्योंकि डिस्टेंस कितना है सेंटर से x, तो into x square, तो ये हो जाएगा 2m x cube dx divided by r square। अब बिंदास हम निकाल सकते हैं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2m x क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू dx, और x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी, x की वैल्यू 0 से लेकर के r पूरे रेडियस तक, है ना, तो ये हो जाएगा 0 टू r। अब कुछ खास बचा नहीं, इसे नॉर्मल कैलकुलेट करना है, तो 2m by r स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इनको बाहर कर दिया, तो अंदर बचा x क्यूब dx फ्रॉम 0 टू r, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m by r स्क्वायर, x क्यूब dx का क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 by 4 फ्रॉम 0 टू r, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m by r स्क्वायर इंटू r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, अब ये r स्क्वायर गया तो यहां पर भी r स्क्वायर बचेगा, 2 टू ज 4, तो i की वैल्यू हो जाएगी m r स्क्वायर बाय 2, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब समझ में आ रहा है, जहां जहां कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है वहां पर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, उस एलिमेंट का छोटा सा मास निकाल रहे हैं यानी कि dm, एक बार छोटा सा मास निकल गया तो उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, यही हम एक सीरियली यही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक दो प्रैक्टिस और करनी बाकी है अभी, तो अगला प्रैक्टिस है हॉलो सिलेंडर का अबाउट इट्स एक्सिस। तो हॉलो सिलेंडर, पहले तो मतलब दिमाग में सेट कर लो कि भैया एक ऐसा सिलेंडर है जो अंदर से खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक शीट ऑफ पेपर लिया, उसको यूं ही फोल्ड कर दिया सिलेंडर के शेप में, सो व्हाट यू गेट इज अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब लेट्स से कि यहां पर मेरे पास गिवन है कि जो मास है इस सिलेंडर का दैट इज कैपिटल एम, जो रेडियस है इसका दैट इज आर,
तो इनके टर्म्स में मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका एक्सिस है, राइट। तो एक्सिस जो है वो कुछ यूं है, राइट, इस सिलेंडर का। अब हम कह सकते हैं कि इस सिलेंडर का हर एक एलिमेंट, मतलब बेसिकली ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इस पे लाई करने वाला हर एक एलिमेंट जो है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो चलो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, लेट से डीएम, हमने एक छोटा सा मास एलिमेंट ले लिया विच इज डीएम, ठीक है। तो उस डीएम का छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। क्योंकि कोई सा भी एलिमेंट आप ले लो इस पूरे सिलेंडर में, कहीं पर भी यहां पर ले लो, तो इसका भी जो डिस्टेंस होगा ना, मतलब फोटो में आपको 3D नहीं दिख रहा है, बट बेसिकली किसी भी सिलेंडर का कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस उसके बीच वाले एक्सिस से आर ही होगा, राइट। देयरफॉर जब हम नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीआई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। मास को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू कैपिटल एम, कंसिडरिंग कि कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम फ्रॉम जीरो टू एम, जो कि हो जाएगा एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो हम सिलेंडर की ही बात करेंगे, लेकिन सॉलिड सिलेंडर। अब यहां पर भी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास मास दिया हुआ है m और रेडियस दिया हुआ है r, और इन गिवन वैल्यूज के ऊपर बेस करके हमें इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स एक्सिस। अब ये सॉलिड है तो मतलब देखो अंदर जो है खोखला नहीं है, अंदर भी पूरा सॉलिड है, ठीक है। तो अब इस सॉलिड सिलेंडर का निकालने के लिए हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, और यहां पर जो एलिमेंट है वो कोई भी पॉइंट नहीं होगा सिलेंडर पे, राइट, क्यों, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है ना यार, अंदर भी सामान है। तो इसका जो छोटा सा एलिमेंट होगा वो कुछ यूं होगा, क्योंकि पूरा ही सॉलिड है, करेक्ट। जैसे याद है हमने सर्कुलर प्लेट लिया था, तो एक पतली सी फाली लेनी पड़ी थी उस प्लेट की, उसी तरह से इसी सिलेंडर का एक पतला सा पोर्शन लेना पड़ेगा हमें इस तरीके से, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन का मास निकालने के लिए मुझे इस पूरे सिलेंडर का मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मास पर यूनिट लेंथ से भी नहीं चलेगा, मास पर यूनिट एरिया से भी नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेंडर जो है वो तो मतलब उसका वॉल्यूम है, राइट। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का मास तो कैपिटल एम है और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एल, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब हमने चूंकि ये छोटा सा एलिमेंट ये वाला मान लिया, एंड हमने इसे इस तरीके से एज्यूम किया कि इसका जो सिलेंडर का बीच वाला एक्सिस है उससे इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस है, और इसकी जो खुद की जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज डी एक्स, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया, ओके, अमेजिंग। अब हम निकालते हैं कि ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है उस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, मतलब यानी कि ये जो पतला वाला जो पोर्शन हमने कंसिडर किया उसका कितना मास हो जाएगा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज m बाई पाई आर स्क्वायर एल इंटू वॉल्यूम ऑफ ये पतला वाला सिलेंडर। तो इस पतले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो इसकी थिकनेस कितनी है dx, राइट, इसका जो पेरीमीटर है अगर हम देखें वो कितना हो जाएगा 2πRh, याद है 2πRh, ऐसे हम निकालते हैं सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, तो वो यहां पर कितना हो जाएगा 2πxdx, दिस मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ तो पूरा ही लेंथ है, राइट, क्योंकि यहां पर हम वॉल्यूम देख रहे हैं। सो 2πR इज बेसिकली द पेरीमीटर इंटू थिकनेस इंटू लेंथ, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो इस तरीके से हम इस जो हमने छोटा सा जो मास एलिमेंट हमारा जो लिया है उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम बड़ी आराम से जो है इसको निकाल लेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट विच इज डी एम इज इक्वल टू 2mx dx, ये एल एल बी कैंसल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इस छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, सो डी आई क्या हो जाएगा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि ये एक्स है ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा डी एम की जगह हम लिख सकते हैं 2mx x³ dx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर,
अब हम I को निकाल सकते हैं बाई इंटीग्रेटिंग डी आई विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2mx³ dx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और बच्चों जैसे जैसे मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ आप भी सॉल्व करते चलो। तो ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, x इज इक्वल टू जीरो से ले करके x इज इक्वल टू r तक चेंज होगी, राइट, क्योंकि r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो इसमें से 2m बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा x³ dx फ्रॉम 0 टू r। तो इसे अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी एम आर स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर के केस में हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, जबकि अभी अभी हमने देखा था हॉलो सिलेंडर के केस में यही सेम सिलेंडर जब हॉलो था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम आर स्क्वायर। तो बच्चों कुल मिला के हमने ये देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का जो है ये चार चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला मास ऑफ द बॉडी, दूसरा शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, तीसरा पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं उसका पोजीशन और ओरिएंटेशन, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस के अबाउट। तो इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों कुल मिला के हमने क्या देखा कि अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिन रॉड के केस में अगर हम परपेंडिकुलर टू रॉड थ्रू इट्स मिड पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो इट इज एम एल स्क्वायर बाई 12, लेकिन वही अगर हम परपेंडिकुलर टू रॉड एंड एट वन एंड निकालें तो इट इज एम एल स्क्वायर बाई 3। जैसे मैं से बोलने का मतलब है कि अगर एक थिन रॉड है इस तरीके से और हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस एक्सिस के अबाउट तो ये आएगा, लेकिन वही अगर ये वही थिन रॉड है बट अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस एक्सिस पर तो आ जाएगा ये, करेक्ट। उसी तरह अगर हम थिन रिंग की बात करें अगर डायमीटर के अबाउट निकाला तो एम आर स्क्वायर बाई 2, अगर टेंजेंट के अबाउट निकाला तो 3/2 एम आर स्क्वायर। अब ये सारी चीजें जो है आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इनफैक्ट दो थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, जो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, बट वो उन थ्योरम के हेल्प से आप बड़ी ही आसानी से ये सारी चीजें निकाल सकते हो, बट सिंस इट इज आउट ऑफ सिलेबस सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट इन दिस वीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से सर्कुलर डिस्क के भी अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हम उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इनफैक्ट मैंने काफी सारी एक्सरसाइज आपको कराई है और बाकी मैं चाहूंगी कि आप खुद से करके निकालो, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यूज अगर आप हैंडी याद रखोगे तो अच्छा रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सिलेंडर हमने देखा, हॉलो सिलेंडर देखा, सॉलिड सिलेंडर देखा, ये तो हमने करके ही देखा था। स्फीयर हमने डिस्कस नहीं किया है बट अगर आप चाहो तो खुद से अटेम्प्ट ले सकते हो, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, अबाउट डायमीटर, अबाउट टेंजेंट, तो आपको ये वाली वैल्यूज मिलेंगी उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेमैटिक्स क्या होता है, काइनेमैटिक्स तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, राइट। काइनेमैटिक्स वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम मोशन की बात करते हैं लेकिन उसमें हम उस मोशन के कॉज के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अभी हमने कुछ कुछ ऐसे क्वांटिटीज की बात की जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जो ये बताता है कि हाँ ठीक है ये मेरा बॉडी था, ये बॉडी इतने वेलोसिटी से गया, इतने एक्सेलरेशन से गया, राइट। बट ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्या कॉजेज हैं इनके पीछे, उसके बारे में हम बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते हैं, एंड दैट्स काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में हम सीधा सीधा सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के मोशन की बात करते हैं। तो चलो देखते हैं रोटेशनल मोशन के काइनेमैटिक्स। तो चलो फटाफट से देखते हैं काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन रोटेशन के केस में, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के इक्वेशंस तो हमें पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसे कई बार हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी कहते हैं, वेर s इज द डिस्प्लेसमेंट। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हमारे तीन इक्वेशंस जिससे हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इन पर सॉल्व किए हैं, राइट। अब इन्हीं के हम देखते हैं कि एनालॉगस रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस क्या है। तो देखो जहां पर भी वेलोसिटी की बात होगी वहां पर रोटेशन में क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। दूसरे में
एस इज इक्वल टू एस नॉट, दिस इज बेसिकली फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन की बात कर रहे हैं. तो यानी कि फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए यानी कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर. तो जहां भी लीनियर वेलोसिटी है उसको कर दो एंगुलर वेलोसिटी, जहां भी लीनियर एक्सेलरेशन है उसको कर दो एंगुलर एक्सेलरेशन, और जहां भी डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है उसको कर दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बस इतना ही फर्क है. ठीक है, तो अब इसी लॉजिक के हिसाब से तीसरा वाला आप खुद से बताओ. फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2a, 2α, a इज एंगुलर एक्सेलरेशन, a के जगह हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू s, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट बोले तो फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये तीन हो गए हमारे रोटेशनल मोशन के काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन. अब आ रही है डायनामिक्स की, रोटेशनल डायनामिक्स. डायनामिक्स जो है ये हमेशा डिस्कस करता है कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में कि यार मोशन हुआ क्यों. फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, कितने वेलोसिटी से गया चलो ठीक है, बट क्यों गया, क्योंकि उस पर फोर्स लगा था, राइट. तो कॉज ऑफ मोशन क्या हुआ यहां पे, फोर्स. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशन की बात कर रहे हैं कि भैया ऑब्जेक्ट रोटेट किया विथ इतना एंगुलर वेलोसिटी विथ इतना एंगुलर एक्सेलरेशन, भाई लेकिन क्यों रोटेट किया, बिकॉज ऑफ टॉर्क. तो इस तरह की चीजें हम डिस्कस करते हैं अंडर डायनेमिक्स. तो चलो फटाफट से कंपैरिजन देखते हैं रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन के क्वांटिटीज के बीच में. तो अगर हम रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन के एनालॉजी को देखें, अगर कंपैरिजन को देखें, ट्रांसलेशनल मोशन में जहां डिस्प्लेसमेंट की बात होती है जिसे हम x से डिनोट करते हैं या कई बार s से डिनोट करते हैं, वहीं यहां पर बात होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा की. जहां ट्रांसलेशन मोशन में लीनियर वेलोसिटी की बात होती है वहीं यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की बात होती है. जहां लीनियर में एक्सेलरेशन की बात होती है वहीं यहां एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होती है. अगर ट्रांसलेशन में हम मास की बात करते हैं तो यहां हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, करेक्ट. अगर यहां हम फोर्स की बात करते हैं विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां हम टॉर्क की बात करते हैं विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर इधर हम वर्क डन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वहीं यहां पर अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं टॉर्क इंटू डी थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखो सभी जगह पे फोर्स के बदले में लिख दिया टॉर्क, डीएस के बदले में लिख दिया डी थीटा, राइट. तो हर कुछ का जो है ना एक एनालॉगस टर्म है रोटेशन में. काइनेटिक एनर्जी की अगर हम यहां बात करते हैं तो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, अगर यहां बात करते हैं तो इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. पावर की अगर इधर बात करते हैं सो इट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, अगर इधर बात करते हैं तो फोर्स के बदले में हो जाएगा टॉर्क और वेलोसिटी के बदले में एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम यहां पर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. एंगुलर मोमेंटम यहां पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी. तो ये जो है ये दोनों का है कंपैरिजन, जो आपके दिमाग में कर लो सेट, क्योंकि ये बहुत काम आता है. तो बच्चों जिस तरह से हम पढ़ते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक उसी तरीके से यहां पर हम बात करते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में. तो एंगुलर मोमेंटम तो हम सभी को पता है कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. तो अगर मैं ये कह रही हूं कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिचुएशन में कंजर्वड ही रहेगा, इसका मतलब है वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, यानी कि आई ओमेगा की जो वैल्यू है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी. ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं, इनफैक्ट इसको हम करके देखते हैं. तो आपने वो घूमने वाली चेयर देखी होगी जो जनरली ऑफिस में तो मिल जाता है आसानी से, जिसे हम कहते हैं स्विवल चेयर. तो इस चेयर के ऊपर अगर आप बैठ जाओ और इस चेयर को आप घुमा दो, ठीक है, अब आप क्या नोटिस करोगे कि अगर आप अपने हाथ फैला लो इस तरीके से, स्ट्रेच कर लो, तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि जो आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन है वहां से जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, तो आर की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वजह से आई की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. अब आई ओमेगा को कॉन्स्टेंट रखने के लिए क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू कम हो जाती है. इसलिए जैसे ही आप अपने हाथ फैलाते हो तो क्या होता है, आपकी जो वेलोसिटी है ना घूमने की जो स्पीड थी वो कम हो जाती है. और वहीं जैसे ही आप अपने हाथ फोल्ड करके अपने पास लेके आते हो तो ठीक उल्टा होता है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है,
घट जाता है, जिसकी वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो भैया ऐसा है ना कि आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट रखना है, अगर आई बढ़ रहा है तो ओमेगा घटेगा, ओमेगा बढ़ रहा है आई घटेगा, तो कैसे भी करके ये प्रोडक्ट जो है कॉन्स्टेंट रहेगा और इसी को हम कहते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आप चाहो तो इसे आप अपने घर पर भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो एंड बड़ा मजा आएगा। इतना ही नहीं, ये वाले ट्रिक बहुत सारे लोग सर्कस वगैरह में भी यूज करते हैं, जिससे वो हमें काफी सारे एक्ट्स दिखाते हैं। तो चलो बच्चों अब ट्राई कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg, तो मास दिया हुआ है इसका 20 kg, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ऑफ 100 rads/s, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज 100 rads/s, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 0.25 meters, सो रेडियस इज 0.25 meters, वॉट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन, वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये दो वैल्यूज मुझे निकालनी है, ठीक है। तो कुछ भी निकालने से पहले मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जरूरी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और एंगुलर मोमेंटम के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और इसको किसके अबाउट रोटेट किया है, रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस कितना होता है, 1/2 mr², ठीक है। तो m और r दोनों की वैल्यू मुझे पता है, तो वैल्यूज डाल दो फटाफट से। तो ये आ जाएगा 0.625 kg/m². तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने निकाल लिया। अब एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान है, बिकॉज इट इज 1/2 i ω², सो दिस इज 1/2 × i के जगह 0.625, ओमेगा की जगह 100 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3125 joules, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरा बचा एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर मोमेंटम इज i ω, तो i की वैल्यू है 0.625 × ω, दैट इज 100, तो ये हो जाएगा 62.5 joules/s, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से निकालना था, देखो सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले के हेल्प से हमने आसानी से निकाल लिया। एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल विथ हिज टू आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, ठीक है। तो टर्न टेबल कुछ यूं होता है जो घूमते रहता है, और एक बच्चा जो है वो यहां पर खड़ा है अपने आर्म्स को इस तरीके से फैलाए हुए, ठीक है। द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 revolutions/min, हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड्स इट्स हिज हैंड्स बैक एंड देयर बाय रिड्यूसेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 2/5 times ऑफ द इनिशियल वैल्यू, एज्यूम दैट द टर्न टेबल रोटेट्स विदाउट फ्रिक्शन। अब देखो ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, जैसे रोटेटिंग, जैसे हमने किया था ना स्विवल चेयर में बैठ के, अगर आप अपने हाथ को एक बार फैला दो और एक बार अपने पास लेके आ जाओ, तो उससे क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती रहती है, करेक्ट। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन यहां पर है। तो यहां पर इनिशियली क्या सिचुएशन थी, इनिशियली जो है एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 40 revolutions/min, बाद में जाकर के, अब इनिशियल बोले तो इनिशियल मतलब जब उसने अपने हाथ स्ट्रेच आउट स्ट्रेच कर रखे थे, फाइनल बोले तो जब उसने अपने हाथ फोल्ड कर लिए थे, ठीक है। तो जब फोल्ड कर लिए थे उस समय एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी पता नहीं है, और वही पता करना है। तो इनिशियल सिचुएशन में लेट अस सपोज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था दैट वाज आई नॉट, बाद में जाकर के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था विच वॉज आई, एंड दैट वॉज इक्वल टू 2/5 times ऑफ द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को समझते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है ऑन द बॉय इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो बच्चा है वो सिर्फ अपने हाथ के मूवमेंट्स कर रहा है, बाहर की तरफ से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, विच मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, दैट इज वॉट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टेल्स अस, ठीक है। दैट मीन्स इनिशियली आई नॉट ओमेगा नॉट था और बाद में आई ओमेगा था, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए एज पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ओमेगा विल बी इक्वल टू आई नॉट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। आई नॉट को आई नॉट ही रखते हैं, ओमेगा नॉट की जगह हम लिख देते हैं 40,
रेवोल्यूशन पर मिनट, और आई के बदले में कर देते हैं 2/5 आई नॉट, तो ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये तो बहुत ही आसान था, जस्ट दैट कि क्वेश्चन को समझ के आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन से ही याद आ जाता है बॉल रोल करता हुआ। तो जब मेरा ये बॉल यू रोल करता है डाउन द प्लेन तो होता क्या है? इसके अंदर देखो बॉल तो रोटेट कर रहा है, करेक्ट, हमें दिख रहा है साफ साफ, ये जो है यूं 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 रोटेट कर रहा है, साथ ही ये ट्रांसलेट भी कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो रोलिंग मोशन इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। अब एक टर्म हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं यहां पर और वो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ना इसका मतलब समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि स्लिपिंग क्या है। स्लिपिंग बोले तो कि कोई भी चीज जब इस तरीके से मूव करती है प्लेन के अलोंग, दैट इज स्लिपिंग। ठीक है, किस तरीके से मूव कर रही है? देखो इस बॉल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस सरफेस के साथ, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ही मूव कर रहा है, सो दैट इज स्लिपिंग। तो अभी जो मैं बॉल को यूं मूव करा रही हूं, यहां पर रोलिंग हो रही है? नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? सिर्फ स्लिपिंग हो रही है, ये सिर्फ स्लिप कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूं कि द बॉल इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब है कि बॉल जो है वो इस तरीके से रोल कर रहा है कि इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस सरफेस के साथ वो मूव नहीं कर रहा है, दैट इज ऑलवेज एट रेस्ट। मजे की बात है ना, मतलब ये कि जैसे अभी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगले ही सेकेंड दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर दूसरा, फिर दूसरा, तो बेसिकली जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना वो इस तरीके से स्लिप नहीं कर रहा है, सो दैट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो कभी भी अगर कहीं पर भी लिखा हो कि द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है विद द सर्फेस, दैट पॉइंट इज एट रेस्ट। तो इसी के साथ आई थिंक अब हम इस कॉन्सेप्ट को, रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली देखने के लिए तैयार है। चलो देखें। अब जब हम रोलिंग मोशन की बात करेंगे तो यहां पर हमें फोकस करना होगा वेलोसिटी पे। तो हम देखेंगे कि यहां पर किसी भी पॉइंट पे दो वेलोसिटीज होंगी। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट हम क्या देखेंगे कि दो वेलोसिटीज हमें दिखेंगी। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज हम एक पॉइंट P1 और दूसरा पॉइंट P0, ये दो पॉइंट को हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में। ठीक है, हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पर दो वेलोसिटीज होंगी। एक वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगी ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बॉल है, अगर वो रोल कर रहा है बट वो रोल करके भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है, राइट, यानी कि उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, उसमें एक लीनियर मोशन हो रहा है, सो दैट हैपेंस ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हम देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, तो सरफेस के पैरेलल चलता है ये। ठीक है, जो दूसरा वेलोसिटी हमें देखने को मिलता है दैट इज वी आर, दैट मीन्स द लीनियर वेलोसिटी विच इज ड्यू टू द रोटेशन, मतलब जब रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से भी एक लीनियर वेलोसिटी होती है, राइट, विच इज टेंजेंशियल टू एवरी पॉइंट। तो ये वो वाली जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज वी आर, सो दिस लीनियर वेलोसिटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू रोटेशन। रोटेशन होता है तो एक एंगुलर वेलोसिटी होता है, राइट, ओमेगा। अब ओमेगा के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लीनियर वेलोसिटी होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो हम करते हैं, राइट, तो वो v क्या है, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी। तो ये दो कंपोनेंट जो है ये हमें हर एक पॉइंट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब इन दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं अलग अलग से। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट पी नॉट की। ये P नॉट पॉइंट है विच इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस, मतलब ये वाले पॉइंट पे ना ये सर्फेस से कॉन्टैक्ट पे है। ठीक है, तो P नॉट पे हम क्या देखते हैं कि यहां पर भी हमें वी आर देख, अब वी सी एम जो सेंटर ऑफ मास वाला वेलोसिटी है वो तो सर्फेस के पैरेलल ही जाएगा, तो वो बेसिकली इस डिरेक्शन में जाएगा।
ठीक है, बट यहां पर जब हम टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट को देखते हैं, देखो ये इस तरीके से घूम रहा है, राइट? सो द टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि वी आर जो है वो इस डिरेक्शन में है. तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमें वी आर और वी सी एम दोनों देखने को तो मिलता है, बट ये दोनों क्या होते हैं, दे आर इन ऑपोजिट डिरेक्शन टू ईच अदर. ठीक है. अच्छा, अब चूंकि हम यहां पर रोलिंग की बात कर रहे हैं, और अगर हम रोलिंग की बात कर रहे हैं विदाउट स्लीपिंग, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, राइट, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग. तो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दैट इज एट रेस्ट, वहां पर कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है. और ऐसा कब होगा, जब वी आर इज इक्वल टू वी सी एम, क्योंकि वी आर और वी सी एम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर दोनों बराबर है तो वो वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली मूव करेगा ही नहीं. करेक्ट. तो मतलब दिस बिकम्स माई कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग. तो अगर रोल करना है विदाउट स्लिप किए हुए, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, दैट शुड बी इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि वी आर क्या है, वी आर इज इक्वल टू आर ओमेगा. ठीक है. तो ये जो है, दिस इज माई कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. तो कहीं भी अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है लेकिन स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सरफेस है, दैट इज एट रेस्ट, वो मोशन में नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ रोल करके ही मूव कर रहा है. और इसके लिए मैथमेटिकली अगर हम कंडीशन देखें, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू आर ओमेगा. चलो, ये तो क्लियर हुआ. तो चलो अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की, यानी कि पॉइंट P1 की. ये है P1. ठीक है. तो P1 पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहां भी हमें दो वेलोसिटीज देखने को मिलती है, एक VR और दूसरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. बट यहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों जो है वो सेम डिरेक्शन में है. ठीक है. सो देयरफोर जो नेट वेलोसिटी V1 है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लस VR. ठीक है. अब चूंकि यहां पर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है, तो वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी आर इज ऑल्सो इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी वन इज इक्वल टू टू आर ओमेगा. या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टू ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है. तो ऐसे अप्रोच के साथ हम इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे. तो अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग मोशन. स्पेसिफिकली रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, क्योंकि रोलिंग में दोनों चीजें हो रही हैं. ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, ये वेलोसिटी कौन सी वाली वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की वजह से ही ट्रांसलेटरी मोशन होता है रोलिंग के केस में. सो प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. तो यहां तक सबको समझ में आया काइनेटिक एनर्जी कैसे निकल रहा है. ग्रेट. अब देखो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. ठीक है. वेर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि ये कौन सा नया टर्म आ गया, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली और कुछ नहीं है कि जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है. तो यहां पर हम इसका हेल्प लेके काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा और एक बेटर वर्जन लाना चाह रहे हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई के जगह हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. अब हमें क्या पता है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग के केस में कंडीशन होता है कि वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये वाली वैल्यू भी डाल देते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर के बदले हमने लिख दिया वी सी एम बाय आर का होल स्क्वायर. तो हम फर्दर लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो ये क्या हो गया,
ये बेसिकली हो गया काइनेटिक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हमने क्या किया, रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशनशिप निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोलिंग मोशन के काइनेटिक एनर्जी को हैंडल करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर वेज 100 kg, इट रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट इट सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड ऑफ 20 cm/s। तो यहां पर हमें रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, मास दिया हुआ है 100 kg, इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है 20 cm/s। इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो इट बिकम्स 0.2 m/s। तो मुझे क्या निकालना है, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू स्टॉप, जितना एनर्जी उस हुप में है, उसके अंदर जितना एनर्जी है, कम से कम उतना एनर्जी इक्वल भी अगर हम लगा देंगे तो हम उसे स्टॉप कर पाएंगे। सो वर्क डन टू स्टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द हुप। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी बेसिकली हो जाएगा, चूंकि ये रोल कर रहा है, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से इसका ट्रांसलेशन हो रहा है एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक, प्लस ये रोल हो रहा है तो इसमें रोटेशन भी हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब वैल्यूज डालते हैं, हाफ इंटू एम इंटू वी सी एम की वैल्यू है 0.2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई। वॉट इज आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के जगह पे भी हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर, तो एम दिया हुआ है 100, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू वी विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो दिस विल कम आउट टू बी 4 जूल। तो ये टोटल एनर्जी है उस हुप में, तो इसीलिए कम से कम इतना ही वर्क डन हमें करना पड़ेगा इफ वी रियली वॉन्ट टू स्टॉप इट। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ चुके हैं रोटेशनल मोशन के एंड तक, और मुझे उम्मीद है कि ये जो सो कॉल्ड मुश्किल सा चैप्टर था ये मैंने कुछ हद तक तो आसान जरूर किया होगा। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट में क्या लिखोगे, कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।